हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का, जिसमें कि हम लोग FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, इसके ऊपर बात करते हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, उसको कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो मेरा जो FBD होता है, यानी कि जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है, उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तीन पार्ट में हम लोग जो इस वीडियो के अंदर जो फ्री बॉडी डायग्राम या फिर जितना भी कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन का, जो मेन बात है, उसमें से हम लोग 65% इस वीडियो में कवर कर लेंगे, 65%। और बाकी का जो पार्ट बचेगा ना, ये दोनों, इसमें फ्रिक्शन वाला पार्ट आएगा, यानी कि जो आप फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन पढ़ने के बाद ही बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आएगा। मतलब बाकी का जो 35% बच रहा है वो फ्रिक्शन पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें 65% इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो फ्रिक्शन का होगा। तो यहाँ पर जो भी हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, सबसे पहले तो NLM जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसको समझेंगे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम एकदम बेसिक से समझेंगे कि बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। कुछ NCERT का क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो कि स्कूल में बहुत पूछा जाता है वो, फिर कुछ JEE मेन में आया हुआ रिसेंट क्वेश्चंस उसको लेंगे। और इससे अगर आपको मतलब JEE मेन में आया, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा, उसी लेवल का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर HC वर्मा में एक मंकी वाला फेमस क्वेश्चन होता है, उसको भी करेंगे। और फिर लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम लोग जो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम होता है कि लिफ्ट में जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वेट कम होता है कि बढ़ता है ना, कब हम लोग लिफ्ट से गिर के और लड़के मर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारा हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अब अभी हम लोग बेसिक से NLM 1 पढ़ेंगे पहले, मतलब फर्स्ट लॉ को समझेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझना, तभी FBD समझ आएगा। और फिर सेकंड लॉ को भी पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड लॉ दोनों कवर होगा, ठीक है। थर्ड लॉ के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड लॉ तो हर जगह लग ही रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब 65% क्यों कवर होगा, उसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना हम लोग सारा पढ़ाई करने वाले हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहले हम तुमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होता है वो समझाएंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तुमको हेडिंग डालना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। NLM 1 #, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तुम पहले से कुछ पढ़ा हुआ है बाबू? पहले से कुछ पढ़ा है इसमें, इस चैप्टर में कुछ पढ़ा है ना, ठीक है। तो ऐसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वाले से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखना, एक चीज़ तुमको बाउंस कर सकता है, जहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, मतलब जिसमें हम लोग पढ़ने वाले, उसमें से एक क्वेश्चन बस रहेगा, ठीक है, वो बस बाउंस करेगा, बाकी आएगा सब समझ में, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, #, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ तो तुम पहले भी पढ़ा है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पहले भी पढ़ा है। कभी भी एग्जाम में एकदम लिख के ले लो कि स्कूल में कभी तुमसे नहीं पूछेगा व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, लिख के ले लो, कभी नहीं पूछेगा तुमसे। इस वाले में न्यूटन फर्स्ट लॉ में पहले तो एक और चीज होता है कि जो तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, जो कि F=ma होता है, वही एक्चुअल लॉ है जो न्यूटन दिया था। तुम पढ़ता है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 2, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3। तो ये जो सेकंड लॉ है, इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, F=ma। इसको भी थोड़ा आज हम लोग और एक्सपैंड करके देखेंगे कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता है? अच्छा, तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है थोड़ा। चलो देखो, कोशिश करो, समझ में आएगा, ठीक है। FBD समझ में आएगा, लेकिन जहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा यूज होगा वहां दिक्कत हो सकता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, तुमको आता है जी? तुमको ठीक से आता है? बाकी सबको आता है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यूज होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन भी, ठीक है। तो देखो F=ma हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला है क्या? क्या इसमें न्यूटन थर्ड लॉ में कोई फॉर्मूला है? नहीं है। हम लोग ये पढ़े किसी को मारेंगे तो वो मारेंगे नहीं, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो हम ऐसे करके यहाँ फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये भी पलट के मेरे हाथ पे फोर्स लगाया, तो इसी को न्यूटन थर्ड लॉ बोल रहे हैं। फॉर्मूला तो कुछ नहीं है ना इसका, तो थ्योरिटिकल बात हुआ। वैसे ही जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ है उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए रियल लॉ हम लोग किसको बोलते हैं, सेकंड लॉ को। तो स्कूल में ये चीज प्रूफ भी करने आता है कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड लॉ से पहला वाला भी आ जाएगा और तीसरा वाला भी आ जाएगा। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, अगले बार इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग पहले मेन फोकस किसका है, हम लोग आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस है मेन हम लोग, ठीक है। चलो तो देखो, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सिंपल है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी है, एंड अच्छा इसको दूसरा नाम एक और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं उसको, अगर तुम थोड़ा सा समझा देंगे वो क्यों बोलते हैं। देखो उसका मतलब, देखो जैसे ये आदमी है, ठीक है, अभी ये आदमी खड़ा है रेस्ट पे, और अभी रेस्ट पे खड़ा है, मोशन नहीं कर रहा है, मतलब इसका रेस्ट पे इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो, वेलोसिटी जीरो है। अगर कोई आके इसको पीछे से धक्का देता है तब ये मोशन में आएगा, पीछे से धक्का देगा तब मोशन आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स को इस पे लगाएगा तभी ये मूव करेगा ना। अच्छा, जब मान लो कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है तब इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, लगने वाला इस पे नेट फोर्स कितना है,
जीरो, नेट फोर्स लगने वाला जीरो है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर होना चाहिए, वेलोसिटी हमेशा जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वेलोसिटी जीरो हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये चेक करना है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे मान लो ये आदमी, इस आदमी पर ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लगता है, एम जी। और तुमको मालूम है ये कौन लगा रहा है, बताओ ये वाला जो एम जी कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों कैंसिल होता है और ये आदमी कहाँ चल जाता है, आगे। ये लेकिन आदमी ये खुद से आगे जा रहा है ना, कि कोई इस पर धक्का लगा रहा है, नहीं खुद से आगे जा रहा है मान लेते हैं। तो खुद से आगे जा रहा है और इसका स्पीड हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, कितना मान लिए 5 मीटर पर सेकंड। ये आदमी, यही आदमी यहाँ पहुँच गया मान लो, अभी भी इसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड। देखो इसका स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखो ये कैंसिल हो गया ना फोर्सेस, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से। अब फ्रिक्शन मत सोच लेना, बताएं तुमको, फ्रिक्शन को इग्नोर करके पढ़ाई करो अभी, ठीक है। तो इस आदमी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, बाहर से कोई फोर्स, क्या इसके पास स्पीड है, हाँ भाई साहब फोर्स है ही नहीं, उसके बावजूद इसके पास क्या है, वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो कि कितना है, यहां भी कितना है, आगे भी जाएगा तब भी मान लो कि 5 5 5 5 5 है हर जगह, समझ आया कि नहीं आया। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आदमी का वेलोसिटी है, इस आदमी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसी को बोलते हैं कि इंसान का वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स हम यहां पर किसको बोल रहे हैं, थोड़ा जस्टिफाई कर देते हैं। यहां पर ये जो एफ जीरो बोल रहे हैं, कौन सा फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। भाई साहब ये खुद से तो चल ही रहा, बाहर से लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखो ये इनर्शिया क्यों बोलते हैं, इसको समझना, इनर्शिया क्यों बोलते हैं। ये आदमी चलना चाहता है, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, जब तक आके कोई इसको ना रुकेगा, बाहर से आके ना रुके जब तक। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर चलते ही, जैसे मान लो कि कोई बहुत मोटा भैंस सांड है दौड़ के आ रहा उधर से, तुमको रोकना है उसको, ठीक है। तो रोकने के लिए वो मोटा भैंस सांड तुम उसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, क्यों, क्योंकि उस सांड का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और वो किसमें है, मोशन में है। और वो देखो एनर्शिया दो टाइप का होता है बाबू, एनर्शिया जो होता है ना वो दो, एनर्शिया एक फील है, कोई फॉर्मूला नहीं जो तुम समझ जाओ। एनर्शिया दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा कौन सा बोलो, एक मोशन वाला एनर्शिया होता है और दूसरा एक और कौन सा वाला होता है, रेस्ट वाला। जो सांड का भी हम एग्जाम्पल दिए, मोशन में कि रेस्ट में, मोशन में, तो उसका एनर्शिया ऑफ मोशन होगा या एनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, एनर्शिया ऑफ मोशन। और उसका ये जो एनर्शिया ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका मास पे। तो अगर उसका एनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है तो उसका, क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा, मतलब ये समझ में आया कि एनर्शिया कुछ ऐसा चीज है, एनर्शिया कोई ऐसा चीज है जो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम रहेगा उसका एनर्शिया भी क्या रहेगा, कम। अब समझना एक बात, जैसे मान लो कि कोई मोटा आदमी बैठा हुआ है और कोई पतला आदमी बैठा हुआ है, खींच के उठाना ज्यादा आसान किसको होगा, क्योंकि उसका एनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, एनर्जी ऑफ रेस्ट क्या है, उसका कम है, पतला आदमी का, क्योंकि उसका मास कम है ना। तो तुमको समझ में आया कि एनर्जिया कोई ऐसी चीज जो किस पे डिपेंड करता है, मास पे, क्लियर है। तो इसको लिख लो, तुमको इसको लॉ ऑफ एनर्जिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी तुम्हारा रेस्ट और मोशन के ही बारे बात करता है ये वाला, इसलिए लॉ ऑफ एनर्जिया भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि नेट फोर्स लगने वाला क्या है सिस्टम पे, जीरो। अच्छा अब तुमको इसमें 11th में क्या यूज है इसका वो समझो, कि कहां इसको कैसे यूज करना है। देखो सबसे पहले इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ये सब बात जो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब तो समझ ही गया होगा ना, कि कोई डाउट हुआ इसमें समझने में, कहीं पर किसी को ना समझ में आया तो डायरेक्ट बोलो सर फिर से बताइए, दोबारा बता देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, पहली बात तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब बताते हैं एकदम हल्के में। जैसे मान लो कि हमको इधर 5 न्यूटन से बाबू एंजल प्रिया खींच रही है और इधर मान लो 5 न्यूटन से हमको खींच रहा राजू, तो किधर जाएंगे हम बताओ, हैं जो खूबसूरत है उसके तरफ, नहीं इधर भी 5 न्यूटन से और इस तरफ भी कितना, भाई साहब तो यहीं खड़े रह जाएंगे ना। तो ये जो हम यहीं खड़े, फोर्स लग रहा है मेरे पे, हाँ लग तो रहा है 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, लेकिन हम फिर भी किस में हैं, रेस्ट में, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये समझ में आया कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसके बावजूद वो मोशन में नहीं आ रहा है, मतलब वो किस में है, रेस्ट में है, मतलब वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो जैसे देखो, जैसे इसका तो एग्जांपल नहीं बोल सकते हैं, जैसे एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं यहां पर। देखो जैसे मान लो कि ये सरफेस जो अभी तुमको बताए थे हम, इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है,
ब्लॉक मतलब कोई भारी भरकम चीज़, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है 5 kg का, तो इस पर हम इस तरफ से खींचें इसको 6 N से, और इस तरफ भी खींचें 6 N से, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये ब्लॉक किस में रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। मान लो कि इधर हमको एंजल प्रिया 5 N से खींची, और इधर से ही राजू भी फोर्स लगा दिया 6 N का, तो हम उधर ही चल जाएंगे, तब हम इक्विलिब्रियम में होंगे, नहीं होंगे। तो जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बात करो तो ये चेक करो कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया, तो इसको लिख लो पहले, फिर इक्विलिब्रियम के बारे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट शुड बी एट रेस्ट, लेकिन एक छोटा सा और डिस्कशन दो लाइन का, उसको समझो पहले, ये समझ आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, कौन सा नेट फोर्स एक्सटर्नल, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, उसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम, यहां लिख दे रहे हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ, नेट कौन सा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन अ सिस्टम मस्ट, आदर्श बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स जीरो। अब तुम हमको ये बताओ जरा कि हमको कोई इधर से खींच रहा है, हमको कोई इधर से खींच रहा है, तो हम किस इक्विलिब्रियम में है, हमको एक जन इधर से खींचा, हमको एक जन इधर से खींचा, तो हम कौन सा इक्विलिब्रियम में है, अच्छा रेस्ट, मतलब मोशन वाला इक्विलिब्रियम भी होता है क्या, इक्विलिब्रियम शब्द का ही मतलब होता है रेस्ट। तो हम तुमसे पूछ रहे कौन है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में किस डायरेक्शन का फोर्स जीरो है, ये बताओ, लिखो पहले इसको तुम लोग, किस डायरेक्शन का फोर्स जीरो है उसके बारे में बताना है। चलो यहाँ देखो, यहाँ आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अभी हम तुमको जो बताने वाले हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अभी पहले लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझ लो यार, दो मिनट, हम फर्स्ट लॉ को ही क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कब होगा यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप का है ना, एक है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ईक्यू, ईक्यू समझ जाएगा ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है बाबू, तुम आराम आराम समझना, जहां नहीं समझ में आया डायरेक्ट पॉइंट आउट करना है, ठीक है। और तुमको ये बोल रहे हैं दोस्त, जहां नहीं समझ में आया डायरेक्ट पॉइंट आउट करना, तो सोएगा पूरा क्लास, ठीक है, चलो तो अभी देखो, जैसे ये आदमी का, चलो तुम ही लोग बताना, ये जो आदमी था ये ऐसे जा रहा है, और इसका ये अपना स्पीड है, कोई इसको बाहर से ढकेल नहीं रहा है, चलो ये बताएगा सोने वाला आदमी, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ये बताओ तुम सोने वाला आदमी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल, तुम बताओ ये आदमी किस इक्विलिब्रियम में है, अच्छा इक्विलिब्रियम में नहीं है, चलो और कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, मतलब चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं है फिर, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो इक्विलिब्रियम पे काम करता है, तो मतलब ये अभी तो बताएं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका, हाँ, मान लो कि यहां पर ये 5 m/s चल रहा है, तो यहां भी कितना चलेगा, 5, यहां भी कितना चलेगा, 5, 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
तो वो फर्स्ट लॉ होगा? नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलता है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तभी मेरा बात कीजिए। हाँ चलो देखो, समझो मेरे बात, देखो यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर में क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और नीचे में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन तुम बताना, नहीं ये बताएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कौन लगा रहा है इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताएंगे अभी हम, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है इसके ऊपर? देखो जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो ये जो जमीन है मेरे ऊपर ऐसे पलट के एक फोर्स लगाता है, जो कि ऐसे ऊपर की तरफ हम लोग दिखाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और वो क्यों होता है? ताकि जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या कर पाएं? बैलेंस कर पाएं। तो ये जो फोर्स है और ये आपस में क्या हो रहा होगा? कैंसल। लेकिन ये आदमी आगे तो जा रहा है ना, आगे तो जा रहा है ना, तो मतलब इधर इस पे फ्रिक्शन ये सब लग रहा होगा। तो ये जो ये वाला जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और ये वाला पार्ट क्या है? तो वर्टिकल में जितना भी फोर्स है वो कैंसल हो रहा है, तब ना आदमी इधर जा रहा। मान लो कि इस तरफ भी कोई फोर्स होता तब तो हो सकता है आदमी आगे ना जा पाता। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये वर्टिकल में तो पक्का ये इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल मतलब ऐसे वाला, क्योंकि सब कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं कि ये आदमी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, और इस पे नेट फोर्स लगने वाला, नेट फोर्स कितना बोल रहे थे तभी? जीरो।
एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसको लिख लो फिर थोड़ा और बात करते हैं, है ना। अब ये बस इतना ही था इसमें। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है उसका कोई गारंटी नहीं है। हॉरिजॉन्टल के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है कि इधर क्या होगा फ्रिक्शन, और तुमको बता दिया कि हम फ्रिक्शन सारा इग्नोर करके पढ़ाएंगे अभी। इधर फ्रिक्शन है ना बाबू, जमीन में फ्रिक्शन नहीं होगा। अरे चलता है तो फ्रिक्शन नहीं रहता जमीन में, तो इसमें तो इधर वाले में कन्फ्यूजन है, इसीलिए हम तुमको इसके बारे कन्फर्म बता रहे कि आदमी किसमें है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसके ऊपर सवाल करते हैं, और पहले हमको पता है कि बहुत लोगों को नॉर्मल रिएक्शन ये सब हालांकि हम बता चुके हैं, 2 मिनट बता के तब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, और एक और कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल। यही तीन तो फोर्स मेन है, एक ग्रेविटेशनल, दूसरा टेंशन फोर्स, और तीसरा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है क्या, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा यहाँ पर कहीं भी, जितना तुम पढ़ रहे हो उसमें कहीं भी कोई यूज़ नहीं स्प्रिंग फोर्स का, जितना आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स से नहीं आता उतना सवाल, वो अगले वाले चैप्टर के लिए, वर्क एनर्जी पावर। पता नहीं तुमको कौन स्प्रिंग फोर्स के बारे में अभी पढ़ा रहा है, हैं? पढ़ लिया है, चलो बहुत बढ़िया। स्प्रिंग फोर्स का जरा बता, अभी देखना आदर्श जितना न्यूमेरिकल देंगे ना सब एक बार में बनाएगा क्या, चलो देखते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले, जो भी फोर्सेस जितना भी लगने वाला है, जितना भी फोर्सेस लगने वाला है ब्लॉक के ऊपर, मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा फोर्सेस लगाते हैं, तो वो सारा फोर्सेस के बारे में बताने वाले हैं। पहले तो इधर खोपचे में देख लो FBD के बारे दो चीज। FBD का मतलब क्या बोले हम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसके बारे बताएंगे। पहले ये फोर्सेस के बारे समझ लो, हम लोग तीन टाइप का फोर्स के बारे डिस्कशन करने वाले हैं। एक तुम्हारा सबसे जरूरी होगा नॉर्मल रिएक्शन, सबसे जरूरी, कुछ हो ना हो ये भाई साहब तो जरूर होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, एन से। ठीक है, और एक होगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। चाबी चाहिए क्या? अच्छा अच्छा दे दो, तो लीजिए। तो नॉर्मल रिएक्शन एन से, और एक और क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको किससे लिखेंगे, एफ से ही लिखेंगे, या फिर कभी कभी इसको डब्ल्यू से भी लिखते हैं क्योंकि वेट भी होता है ना, है क्या स्मॉल जी? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है बालक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी है जो स्मॉल जी लिखेंगे। ठीक है, गड़बड़ाया ये स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखते हैं ना। ठीक है, हाँ हाँ कौन नहीं देखो ठीक से, एम इंटू जी ये ग्रेविटी थोड़ी होता है इसका मतलब, हाँ ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है ना, ये कौन लगाता है, हर ऑब्जेक्ट पे लगता है ना ये, तो जब भी FBD बनाओ तो ये दोनों तो पक्का होगा। फिर उसके बाद देखना कि स्ट्रिंग है कि नहीं वहां पर, अगर स्ट्रिंग रहा वहां पर, रस्सी रहा, तो कौन सा फोर्स लगाना, टेंशन फोर्स, और टेंशन को हम लोग दिखाएंगे टी से। ठीक है, अब जरा तुमको ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे बता दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, पहले जरा नॉर्मल रिएक्शन के बारे बता दें। जैसे मान लो कि यहाँ पर पहला केस देखो इसका, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका मास है मान लो m, तो इस पर नीचे लगेगा कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो ये ब्लॉक पे सारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये ना ब्लॉक ऊपर जाएगा ना नीचे धंसेगा, ये ब्लॉक वहीं पर रहेगा। हाँ, फिर आके कोई पीछे से फोर्स लगाए तब ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो n और mg रहता है वो क्या होता है, आपस में बैलेंस्ड होता है, और होना भी चाहिए। नहीं हुआ n तब क्या होगा, इंसान अंदर धस जाएगा जमीन में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जरूरी है कि नहीं बताओ, ये समझ आया नहीं आया? अच्छा, एक और चीज़ की, जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो हमेशा इस सरफेस के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो एक और जरूरी बात की, हमेशा फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। ये सारा छोटा छोटा बात जो कि यूज़ करेंगे हम लोग जरूरी। ठीक है, अच्छा मान लो कि सरफेस ऐसा सीधा नहीं है, मान लो कि सरफेस ऐसा इंक्लाइंड है, ठीक है, और उस पर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तब क्या होगा भैया, तब यहाँ पर जो एम जी रहेगा वो अभी भी कहाँ लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, परपेंडिकुलर कहाँ लग रहा है, ये सीधा लग रहा है। हाँ, और यहाँ पर ये नॉर्मल कैसा हो जाएगा, मतलब जैसे हम मान लो ऐसे खड़े हैं यहाँ पर, मान लो ऐसे खड़े हैं, तो अभी नॉर्मल कहाँ है, ऊपर, और ग्रेविटेशनल कहाँ है, नीचे। मान लो ऐसे हो गए तो अभी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, नॉर्मल रिएक्शन मेरे साथ साथ कहाँ मुड़ गया ऐसे, लेकिन एम जी अभी भी कहाँ लग रहा होगा, ये लॉजिक है। तो फिर जब हम ऐसे टेढ़ा हो जाते हैं तो फिर पटका क्यों नहीं जाते हैं, एम जी तो नीचे हो गया ना। जैसे मान लो ये वाला जो ब्लॉक है, अब ये एम जी तो ऐसे लग रहा है, ऊपर बैलेंस करने वाला कोई नहीं है इसको, है एम जी साइन, एम जी कॉस। बाबू तुम्हारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा है, नहीं 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 गड़बड़ा रहा है पूरा,
नहीं, यहाँ देखो, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये नॉर्मल ऐसे टेढ़ा हो गया ना, ऐसे झुक गया नॉर्मल। तो अभी इसके सामने बैलेंस करने वाला कोई है इसको? क्या सामने इसको बैलेंस करने वाला कोई है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने से एक डॉटेड लाइन यहाँ खींचेंगे, और इसका एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा। तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एन कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। समझ आया? तो ये जो एम जी है इसको कौन कैंसिल कर देगा? एन कॉस थीटा। समझ आया? और ये जो एन साइन थीटा है वो ऐसे लग रहा है, जिसके कारण ब्लॉक कहाँ जाएगा? आगे। नहीं समझ में आया क्या ये वाला? समझा? तो जब यहां पर लिख देते, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, जब एन जो होता है, एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जब झुक जाता है, ले लिख दिए, झुक का स्पेलिंग क्या होगा? बेंट हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन जब बेंड हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसका? कॉम्पोनेंट्स। क्या करना पड़ेगा उसका? कॉम्पोनेंट्स। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि ये हमेशा ध्यान क्या, हमेशा वही आएगा ही, तुम्हारा जो एन साइन थीटा आएगा वो ऐसे आएगा हमेशा, इस टाइप से, ठीक है, और जो एन कॉस थीटा है वो ऐसे आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो खैर वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिख देते हैं। इस केस में जब ये ऐसे झुक गया ब्लॉक, तो ये जो एम जी है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं एन कॉस थीटा जो है वो किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। और फिर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, नीचे धसेगा? नहीं, कैंसिल होके वहीं पर रुक जाएगा। और आगे कैसे जाएगा? एन साइन थीटा से। समझ में आया तुमको कि नहीं आया ये वाला? ये बड़ो जरूरी बात कि जब ऐसे झुक जाए तो भी नॉर्मल लो, लेकिन उसका कंपोनेंट जरूर लो। क्लियर है ये? तो ये जो हुआ है किसके बारे में हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसका तो तुम यही देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है यहाँ पर? नीचे। ब्लॉक ऐसे हो गया तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? नीचे। समझ आया ये वाला? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो कोई टेंशन नहीं है, और हमेशा इसको क्या लिखना है? एम जी। कोई दिक्कत है? बोलो। मास सवाल में दिया रहेगा, जी का वैल्यू मालूम है ना कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू 10 होता है, बचपन में पढ़ा है। अब लास्ट कौन सा बचा? टेंशन। ये वाला देख ले भाई, बड़ा जरूरी। देख सबसे पहले तो इसका सबसे ज्यादा जरूरत कहां होता है? अच्छा तुमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इकलौता ऐसा फोर्स है, तुम कोई भी एफबीडी बनाओ, कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें होगा ही होगा। ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी एफबीडी हो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। क्यों सर? अरे भाई साहब, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस धरती पे है तो ग्रेविटी तो लगेगा ही उसमें। अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है? सरफेस पे। मान लो कि मेरे पास जैसे ये वाला चार्जर, दिखाओ भाई, जैसे मान लो ये चार्जर है, ये चार्जर ऐसे लटक रहा है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे हो, ये तो झूल रहा, तो कहाँ है इसमें नॉर्मल रिएक्शन? हाँ सुनता गलत है। तो इसमें ये जो तुमको दिख रहा है, जो इससे से टिका हुआ, क्यों टिका हुआ है ये? क्योंकि इसमें क्या है? टेंशन। ओ माय गॉड, टेंशन है इसमें, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये वाला, इसमें भी क्या लग रहा है? इसमें भी क्या लग रहा है? टेंशन। खराब नहीं ना हुआ है? चेक कर लेंगे बाद में। चलो देखो, तो अभी टेंशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। टेंशन हो गया था अभी हमको। चलो देखो, ये टेंशन फोर्स के बारे में, टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स, ठीक है। इसके बारे कुछ नहीं लिखवा रहे हैं, बाकी ये तुमको की कॉन्सेप्ट जरूर लिखना है भाई साहब। ये किसके बारे हुआ? ये किसके बारे? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के बारे, ठीक है। अब देखो, ये इसका जरूरत नहीं है, यहां पर आते हैं अभी इस टेंशन फोर्स पे, ठीक है। ये किसमें लगेगा? कब लगेगा? जब क्या होगा? स्ट्रिंग। क्या तुमको यहां कोई स्ट्रिंग यानी रस्सी दिख रहा है? इसमें नहीं, मतलब टेंशन फोर्स यहां क्या हो गया? एब्सेंट। एब्सेंट यहां पर भी देख, एब्सेंट है क्योंकि यहां रस्सी नहीं है। अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ देखना है, लिखने का टाइम दिया जाएगा। देखो अब यहां पर, अब देखो जैसे ये सरफेस, इसमें देखो एक ब्लॉक, इसका मास m1, और दूसरा ब्लॉक इसका मास m2, और एक और तीसरा ब्लॉक इसका मास m3। ये तीनों के बीच में क्या लगा है? रस्सी। ये दोनों के बीच में रस्सी लगा है, और यहाँ पर एक और ले लेते हैं और ऐसे करके जोड़ देते हैं ये सपोर्ट। तो मान लो कि यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन t1, इस रस्सी में टेंशन t2। एक बात तुम लोगों को फिर से बता रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे भी दिखा सकता है। तुम देखो एक चीज़ समझो कि जब इसको हम ऐसे खींचते हैं तो इधर से भी टेंशन लगता है ना, और इधर से भी लगता है। तो इसलिए टेंशन को ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें भी ऐसे, ऐसे और ऐसे। समझ गया? दोनों तरफ से तुम टेंशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है? टेंशन हमेशा कहाँ लगेगा? रस्सी में। अच्छा, यहाँ पर देखो टेंशन कितना लिखे हैं? T1। यहाँ टेंशन क्या लिखे हैं? क्योंकि ये सारे सिस्टम का मास क्या है? अलग अलग। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट बदल जाएगा तो टेंशन भी क्या होगा? बदल जाएगा। देखो यहाँ पर टेंशन कितना है? T1। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी टेंशन कितना हो गया? मतलब चेंज होता है टेंशन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? हाँ,
ऐसे नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लगेगा? M1G, इसमें भी नॉर्मल लगेगा, इसमें नीचे क्या लगेगा? M2G। ये समझ में आ रहा है जी ये वाला कि नहीं समझ में आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये नॉर्मल वाला, और ये वाला नॉर्मल ऐसे, और यहाँ क्या लग जाएगा? M3 जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ पर मान लो कि एक हम खाली ब्लॉक ले लिए, हवा में टंग रहा है, और ये क्या है? सपोर्ट, जिससे वो लटका हुआ है। तो ये स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ क्या होगा? टेंशन। तो इसका टेंशन हम क्या लिखेंगे? टी। तुम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, टेंशन टी लिखेंगे। और ये खाली इकलौता मास है, और इस पर नीचे क्या लगेगा? Mg। तो ये टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Mg। मतलब ये ब्लॉक किस में है? इक्विलिब्रियम में, ना नीचे गिरेगा ना ऊपर जाएगा, ऐसे खड़ा रहेगा मस्त, क्योंकि ये Mg टी को क्या कर दे रहा है? कैंसिल। क्या यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा? भाई साहब लटक रहा है तो सरफेस तो है ही नहीं, सरफेस रहेगा वो ना, सरफेस ना ऐसे लगाता नॉर्मल, सरफेस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। तेरे को आ रहा है भाई समझ में कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है कि झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोलने का यहाँ पर, ठीक है? जैसे ये अभी झूठ बोल रहा था कि उसको स्प्रिंग फोर्स आता है, पकड़ाया झूठ, दो तीन बार पकड़ा गया, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तक याद नहीं था उसको, ठीक है, फिर भी कॉन्फिडेंस देख रहा है, फिर भी बोल रहा आता बुरा बहुत पहले पढ़ा था। ऐसे ही मास्टर बनेगा कोई स्कूल में, जाएगा बोलेगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स, और उसके बाद बोलेगा अरे भाई साहब फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, हम बहुत पहले पढ़े थे इसलिए याद नहीं है। अच्छा बुक में देख लेगा, बोलेगा मास्टर को कुछ नहीं आता, किताब से देख के पढ़ा रहा। अच्छा पहले देख के आएगा, गिरा हुआ आदमी। चलो देखो आगे, ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया यहाँ तक? अच्छा अब सुनो एक और ज़रूरी बात, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको हम लोग R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर R लिखा रहा है तो उसका भी मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, R ऑल्सो स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रिएक्शन। ये लिख लो जल्दी से, अब न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? लिख लिया? लिखो जल्दी, लिखो लिखो। ये तीन टाइप का ही फोर्स है बस, ठीक है? देखो देखो ये सही बोला, देखो इस इन सब का नॉर्मल NNN नहीं ना होगा जी, इसका नॉर्मल N1, इसका N2, इसका N3, क्योंकि सबका मास अलग अलग है, तो सब पे जो नॉर्मल लगेगा वो भी क्या लगेगा? अलग अलग। क्लियर है? नॉर्मल और सबका फोर्स, सारा जितना फोर्सेज है यहाँ पर, तुम बताओ बाबू ये जितना भी फोर्सेस तुमको दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल, ये जो टेंशन फोर्स है, ये सब का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेम होगा, तो क्या होगा बताओगी? ऐसा यूनिट होगा क्या? तुम बताओ, तुम बताओ, अलग मुंह मत छुपाओ। ये सारे का ऐसा यूनिट क्या होगा जितना पढ़ा तुम? तीन फोर्स, ये तीन जो फोर्स पढ़ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल, टेंशन, ये सबका ऐसा यूनिट क्या होगा? है न्यूटन। अरे भाई फोर्स है भाई, फोर्स का तो न्यूटन ही होता है ना, चाहे कोई भी फोर्स हो, ठीक है? हाँ तो हम ये बोल रहे थे कि तुम लोग इस बात पे जरूर ध्यान देना कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह रहेगा। देखो मान लो कहीं पर रस्सी एब्सेंट है, स्ट्रिंग नहीं है, तो स्ट्रिंग नहीं है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लगेगा भाई। जैसे अभी हम लोग चलो एक करते हैं थोड़ा FBD का पॉइंट्स लिखवाते हैं तुमको, ठीक है? तीन पॉइंट है FBD को। हाँ न्यूमेरिकल्स करवाना भाई, पहले बिना कॉन्सेप्ट पढ़े न्यूमेरिकल ही कर लेगा डायरेक्ट, गजब याद नहीं है यार। पहला देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये है, अभी हम सेकंड लॉ नहीं बता रहे, अभी जितना सवाल करेंगे हम लोग सब किसके ऊपर करेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है? पहला पॉइंट FBD के लिए, तुमको जो भी सवाल दिया रहेगा, जो भी डायग्राम दिया रहेगा, या तो वहां पर एक आदमी का फोटो बनाया रहेगा, बंदर का फोटो, कुछ भी रहेगा, या तो एक क्या रहेगा? ब्लॉक, जिसका नाम तभी से ले रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास दिया रहेगा, तो उसको तुम मान लेना पॉइंट मास। क्या मान लेना? पॉइंट मास का मतलब भारी भरकम दिया रहेगा ना ब्लॉक, तो पॉइंट मास मान के उसको, और इंडिविजुअली एक डायग्राम बना लेना, इंडिविजुअली, ठीक है? सेपरेटली लिख लेते हैं, सेपरेटली डायग्राम बनाना, इससे आसान होगा थोड़ा सॉल्व करना। अच्छा दूसरा चीज क्या करना है, उस पर जितना भी फोर्सेस लग रहा है, जितना भी फोर्सेस लगता है उस पर, पहले वो अप्लाई कर देना है इंडिविजुअल लेके। और तीसरा सबसे जरूरी, तुमको हमेशा FBD दो टाइप का होता है, बता रहे भाई, एक होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड, और दूसरा होता है सेकंड लॉ के ऊपर। फर्स्ट लॉ के ऊपर जब भी FBD आएगा तो उसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना। इक्विलिब्रियम समझता है कि नहीं समझता है? नेट फोर्स लगता हुआ क्या होना चाहिए? जीरो। वहां लिख दिया अगर कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ये सब किसके लिए है? फर्स्ट लॉ के लिए है। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि कौन सा लॉ हो जाएगा? सेकंड लॉ। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो जब तीसरा चीज देखना कि न्यूटन का NLM 1 लग रहा है या फिर 2 लग रहा है। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो मेरे साथ साथ JEE Mains का प्रिपरेशन करता था, हम नहीं करते थे प्रिपरेशन, है? तो
तो उसका वो जो था वो उसको यही नहीं पता था कि NLM 1 और NLM 2 के ऊपर सेपरेटली सेपरेटली क्वेश्चन बनता था, वो डायरेक्ट बनाते जाता था। ठीक है, हालांकि उससे बहुत खराब आया था उसका मार्क्स जेई मेंस में, ठीक है, बहुत ही गंदा नंबर आया था, क्योंकि रिविजन एक भी नहीं, जीरो नहीं, रिविजन जीरो, कुछ रिवाइज नहीं करता था, सिर्फ आगे का पढ़ता था। लेकिन आज वो टीचर है इसमें, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है फिजिक्स, ठीक है। बहुत खराब मार्क्स, लेकिन सोचा आज भी फिजिक्स में इंटरेस्ट था भाई तो पढ़ा रहा आकाश इंस्टीट्यूट में। क्या बच्चे? वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ आकाश में उसका सिलेक्शन हो गया, पढ़ा रहा है वहाँ पर। क्या रांची वाला आकाश इंस्टीट्यूट? नहीं, उसका तो कहीं भी दे देता है ना, नहीं तो आज हम कहीं भी नहीं होते। खैर, तो ये समझ आया ही नहीं आया बोला, तो अभी हम लोग एक यहाँ पर करके देखते हैं ना, एक डायग्राम पे लगा के देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, अभी जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक एंगल क्या होगा? थीटा। जिसमें एंगल थीटा बनेगा उसी को इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे, और ये थीटा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा इंक्लाइन प्लेन होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो यहाँ पर एक मास है जो कि क्या है, कैपिटल M, ठीक है, और ये मास एक रस्सी से बंधा है। अब इसका तुमको बनाना है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले क्या करना होगा, यहाँ पर क्या खींचना होगा बताओ, तुम बताओ, नीचे की तरफ क्या दिखाएगा? MG। MG को तुम ऐसे क्यों नहीं दिखा रहा है? ऐसे उसका रीजन थोड़ा देखो डिटेल में, यहाँ पर छोटा सा ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस ये वाला होता है ना, तो ब्लॉक इसमें कैसे रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से, मतलब कि ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींचेंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ये ग्रेविटेशनल ऐसे। अच्छा, नॉर्मल कैसे लगेगा इसमें? नॉर्मल लगेगा ना, क्योंकि सर्फेस है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्स कौन सा होगा? टेंशन। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका क्या तोड़ना पड़ेगा? कॉम्पोनेंट। अब तुमको याद करो, पीछे हम ऐसे खींचे थे यहां पर लाइन, और यहां पर क्या बना के दिखाए थे? थीटा। अब ये थीटा यहां कैसे पहुंचा, अभी उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये थीटा यहां कैसे पहुंचा वो समझाते हैं। यहां थीटा तो यहां थीटा, अंदाजी मतलब जो मोलिएगा वो मान लेंगे, कुछ तो कारण होगा ना उसका, वो समझाते, बहुत जरूरी है समझना वो, तभी तुम थीटा पहचान पाएगा कि कब कहां बन रहा है। यहां देखो, पहले हम लोग यहाँ थीटा माने ना, तुम ये देखो, तुमको जब एम जी ऐसे खींचे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है 90 डिग्री बनते हुए, दिख रहा है। अच्छा, ये एंगल 90 है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तब ये तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके कितना आएगा? समझ आ रहा है तेरे को? नहीं आ रहा है, जोड़ के देख। थीटा प्लस ये कितना है? 90 प्लस ये वाला कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा मर गया, कितना आया? 180। तो ASP सेटिस्फाई हो रहा ना, मतलब ये ट्राइंगल है क्या? ठीक है। अच्छा, अब ये 90 माइनस थीटा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा होगा। बोलेगा कैसे भाई साहब, ये पूरा एंगल देखिए, पूरा एंगल मार बताते हैं, ठीक है, देखना यहाँ पर, ये पूरा एंगल कितना है? तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए? हो रहा है 90, देख कर तो, देख तो 90 हो रहा है क्या? ये 90 हो रहा है, हाँ 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये थीटा थीटा कट जाएगा, तो 90 आ जाएगा। नहीं समझा क्या? तो इसलिए हम इसको 90 माइनस थीटा बोल रहे हैं, और ये वाले को क्या बोल रहे हैं? थीटा। थीटा किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर बताओ? खाली इसको, ये जो कलर की है ना ब्लू, उसी को थीटा बोल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये थीटा है, ये थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? सही है, देखो लो, चेक कर लो, ये थीटा, तो ये थीटा होगा। देख लो, सोच लो, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहा है यहां पर, देखो यहां पर देखो, ये VOA से 180, ये थीटा, तो यहां थीटा, समझ में आया थीटा क्यों लिखते हैं यहां पर? अच्छा, यहां पर अगर तुम लाइन खींचेगा, ठीक है, क्या तुम इसको थीटा बोल सकता है? सोच के बताना, क्या तुम इसको थीटा बोल सकता है? सोच के बताना, सोच के बताना, अंदाजी नहीं। हाँ सर, हाँ सर, बेवकूफ जैसे के। ये थीटा कैसे आया, समझ आया? चल देखिए, यहां पर बता देते हैं, फाइनल फ्रेश फ्रेश बनाते हैं यहां पर। बाबू तुम लोग ऐसे मत करो, फिर पढ़ाई बेकार कर देगा, वैसे वैसे मत बोलो। ये एंगल 90 है, मानता है? तो यहां पर अगर तुम ऐसे कोई लाइन खींचेगा, ठीक है, तो इस एंगल को कितना लेगा?
थीटा लेगा या 90 माइनस थीटा लेगा? सोच लो सोच लो, सोच समझ के जवाब दो। देखो ये थीटा है तो समझ गया है ना, ये देख ले डायग्राम क्या उसमें कंफ्यूज हो गया क्या? कंफ्यूज नहीं होना भाई साहब, देखो आराम से, ये ऐसे ब्लॉक था और उसमें हम नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। वैसे ही अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल भी कितना होगा? तब ये एंगल कितना होना चाहिए? अभी क्लियर है? नहीं बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐड कर लो एक बार सारे को, देखो ये एंगल आना कितना चाहिए, पूरा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आता है। देखो तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा प्लस थीटा, देखो ये इससे कटा, 90 और 90 कितना हो गया? 180 प्लस 2 थीटा। देखो नहीं आ रहा है, नहीं आया क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसे कटा, ठीक है तो 180 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा आता मतलब तुम कुछ गलत कर रहा है, जैसे अभी आया था तो मतलब कुछ गड़बड़ है फिर। लेकिन यहाँ पर देखो सारे एंगल को 1 2 3 4 को ऐड करके 180 आ रहा है, तो क्योंकि ये 180 है ना। देखो ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा 180 है ना, क्योंकि इधर 180 है। समझ में आया? नहीं आया भाई साहब? ये पढ़ा है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर इधर 180, यहाँ भी कितना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 बनता है, समझ आया? तो यहाँ थीटा लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट हो? मतलब किस पे? यहाँ पर इस तरफ। हाँ मतलब कि यहाँ पर थीटा कैसे, उसके बारे बोल रहा है ना। तो अगर यहाँ पर देखो, हाँ अगर यहाँ पर थीटा तुमको सवाल में दिया है तो ही थीटा लेके बनाना, अपने से थीटा नहीं ले सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो ले रहे हैं ना, हमेशा हम लोग इसको थीटा लेते हैं, क्योंकि इसको क्यों लेते हैं समझा? क्योंकि देखो ये थीटा से यहाँ थीटा आ रहा है ना भाई साहब, ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ 90, फिर ये थीटा बना, तब यहाँ थीटा पहुँचाया। लेकिन इसका तो तुम कारण नहीं दे रहा ना, यहाँ पर थीटा कैसे लिख रहा है। इसीलिए हम लोग जो हमेशा थीटा बना रहे हैं वो इस तरफ बना रहे हैं। अच्छा इसको 90 डिग्री माइनस थीटा ले सकते हैं क्या? इसको हम, बहुत लोग पूछता है मेरे से ये सवाल, बहुत लोग क्या बोलता है समझो, मेरा बात समझो, ये सही सवाल भी है, सही मतलब बकवास है तो वाहियात बात है, लेकिन फिर भी सुन लो ध्यान से, तुमको भी ये डाउट हो सकता है। सुनो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, जैसे ये 90 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं बताओ, है ठीक। पूछेगा सर यहाँ पर आप लिखे हैं थीटा, ये लिखे 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 है इसलिए आप ऐसे लिखे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको मान ले थीटा और ये वाला को क्या मान ले, तब भी तो 90 ही आएगा ना भाई साहब। इसको जोड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा, तब भी जोड़ के पूरा कितना आएगा? 90 ही आएगा ना। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तो, लेकिन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से रिजोल्यूशन पे यहां थीटा आ रहा है। क्या यहां रिजोल्व करके 90 माइनस थीटा आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको हम 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, यही बस हमको समझाना था। इसको हमको थीटा लिखना है हमेशा, समझ में आ गया? तो सवाल में यहां थीटा क्यों लेते हैं, चलो ठीक इसको लिख लो जल्दी से। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं फाइनली, ठीक है। तो ये जरूर से बनाना, ये वाला डायग्राम जरूर से बना लो कि कैसे थीटा होता है वहां पर, उनको और समझ में आया, उसको भी दिमाग में रख लेना। यहां पर एंगल कितना बनता है थीटा, ये भी दिमाग में रखो, यहां थीटा बनता है और यहां भी क्या बनता है, ये दोनों दिमाग में रखना, क्योंकि हम दोनों का यूज करेंगे रेगुलरली, ठीक है। चलो बना लो इसको। अच्छा इस डायग्राम में जी अभी जो बनाए थे हम, ठीक है उसको देखो फिर से, अभी देखना है ना, देखो अरे बालक पहले समझ तो लो यार, अधूरा में छोड़ देना आदर्श के हिसाब से। देखो ये मास एम है, ठीक है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा था है ना, और नीचे क्या लग रहा था, एम जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर हम डॉटेड लाइन खींच के ऐसे थीटा बनाएंगे तो पगला जाएगा, अब तो नहीं पगलाएगा ना, क्यों यहाँ थीटा होता है उसका रीज़न बता चुके हैं। यहाँ पर भी डॉटेड लाइन खींच के क्या बना देंगे, थीटा। अच्छा ये यहाँ पर किससे फिक्स किया हुआ था, टेंशन स्ट्रिंग से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ थीटा है तो इस तरफ नॉर्मल का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा, और इसके जस्ट यहाँ पर क्या होगा, एन साइन थीटा, कोई दिक्कत है, ठीक। वैसे ही यहाँ जो एम जी है, एम जी का इस तरफ, यहाँ देखो बाबू तुम, एम जी का इस तरफ क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा,
है ना। तो यहां पर अगर एम जी कॉस थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर यहां क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। कोई दिक्कत है बोलो, कहीं पर दिक्कत बताओ। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर ये जो एम जी साइन थीटा है और ये जो टी, एम जी साइन थीटा और टी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो ये वाला और ये वाला बराबर, ठीक है, समझ आया, कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। और ये जो एन कॉस थीटा है किसके बराबर होगा, एन कॉस थीटा बराबर होगा एम जी के। कोई दिक्कत है, तो यहां पर कौन बचेगा, एन साइन थीटा। अब एन साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, तब एन साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, भाई साहब फ्रिक्शन तो ऐसे लगता है। ठीक है, तो लेकिन एक बात को कंफर्म है कि ये ब्लॉक किसमें है, अगर ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो ये तुम्हारा हुआ हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम और ये कौन सा हो गया, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। और ये एन साइन थीटा से ब्लॉक आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, बोलो। क्या स्पेशल किस, मतलब क्या, ये यहां पर थीटा बन रहा है ना, इसलिए इसको ये वाले को बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये ब्लॉक को हम ये सोच रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे है इसीलिए। हाँ, कौन दोनों, ये दोनों, अरे इक्वल तो होगा, ये तो पता ही है, वो तो प्रूफ किए हैं अभी, इक्वल होगा बाबू, ये दोनों इक्वल होगा हमेशा, ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये कैसे इसके बराबर हुआ, यहां पर इस तरफ, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये, हाँ 90 डिग्री, भाई साहब देखो देखो यहाँ देखो, ये नॉर्मल ऐसे है, यहाँ थीटा है, ठीक है, तो तुम इस तरफ लिखा n cos थीटा, तो इस तरफ क्या लिख रहा है n sin थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पर देखो, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, समझ गई ये, ठीक है। देखो दोस्त, ये वाला, ये अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले देखना होगा किस लॉ के ऊपर है ये, कौन सा न्यूटन का लॉ के ऊपर है। हम बताएं अभी सारा सवाल किसका करवाएंगे, फर्स्ट लॉ का, तब सेकंड लॉ का आएगा। तो यहां पर देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, जहां तुम देखा इक्विलिब्रियम, मतलब समझ गया किसका क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ब्लॉक का। अब देखो यहां पर एक स्ट्रिंग सपोर्ट है जिससे कितना ब्लॉक लटका हुआ है, दो ब्लॉक, एक 4 kg का, एक 2 kg का। ठीक है, अभी तुमको क्या पूछा है यहां पर कि T1 T2, यानी जो टेंशन लग रहा है ना यहां पर T1 और T2, उसका वैल्यू पूछा है। अच्छा, दोनों अलग अलग क्यों है, समझ में आया ये, क्योंकि एक ब्लॉक अलग से है जिसमें T1, फिर ये ब्लॉक चेंज हो गया ना, समझो, पहले यहां पर T1 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 T1, फिर इसके बाद दूसरा ब्लॉक आ गया, तो यहां स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, बदल जाएगा। समझ रहा है मैं बात कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्लॉक बदलता है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी चेंज हो जाता है। यहां पर टी और टी नहीं लिख सकता है, क्लियर है, क्यों नहीं लिख सकता है, क्योंकि ब्लॉक बदल चुका है इसको है। ठीक, तो हम लोग पहले इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने का रूल क्या है कि पहले ये 4 kg वाले को लो और एक पॉइंट मास मान लो, देखो 4 kg वाले को पॉइंट मास मान लिए, उसके बाद इसमें जितना फोर्स लग रहा है उसको दिखाओ, तो ऊपर में क्या लग रहा है और नीचे में क्या लगेगा, 4g लगेगा, क्योंकि नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना। हाँ, देख लो पहले पूरा, इस पे लगेगा 4g क्यों लगेगा, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है यहाँ पर, ग्रेविटी mg लगाता है ना, तो यहाँ पर मास इसका 4 kg और into g, क्लियर है। अच्छा, ये वाला जो T2 है ये भी तो इस पे लग रहा है, तो यानी T2 ऐसे लगेगा नीचे की तरफ इसके, मतलब इस ब्लॉक पे ये अच्छा ये T2 ऐसे भी बना सकता है, इसको ऐसे ही बना सकता है, समझ गया ना, ऐसे भी बना सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये T2 नीचे ऐसे लगेगा और ये 4g, तो अब देखो यहां पर लिखा है वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब देखो पहले, मतलब समेशन फोर्स ऑन वाई एक्सिस कितना है, वर्टिकल मतलब ये, वर्टिकल में कौन सा एक्सिस होता है,
तो मतलब वाई एक्सिस, मतलब इस एक्सिस में इसमें कोई भी फोर्स, और हॉरिजॉन्टल तो होगा भी नहीं, हॉरिजॉन्टल होगा बताओ, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, भाई साहब हवा इसको ऐसे झुलाएगा क्या? अगर हवा झुला भी रहा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको मतलब तो किससे है, वर्टिकल वाले पार्ट से, वर्टिकली तो यहाँ दे दिया कि वो रेस्ट पे है, मतलब ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये ऐसे स्ट्रिंग ऐसे लटका हुआ है बस, समझ में आ गया मेरी बात? तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो उसका यूज कैसे करेगा, देखो बता रहे हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जितना नीचे वाला फोर्स है उतना ही किस कौन सा होगा, ये पता है ना? जैसे मान लो इधर हमको कोई 5 न्यूटन से खींचा तो इधर भी 5 न्यूटन से ही खींचना चाहिए, तभी हम यहाँ पर रेस्ट पे रहेंगे, ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। तो यानी अगर बोल दिया कि यहाँ ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे है तो ये वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, नीचे वाले के, मतलब तुम लिखेगा T1 बराबर किसके है, T2 प्लस 4G के, नहीं आया समझ में? ये T1 ऊपर वाला, ये दोनों का सम के बराबर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, ऐड। ऐड क्यों किए? क्योंकि ये T2 और 4G दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में। ये समझ आया नहीं आया तुम लोगों जी, कि सो रहा है तुम लोग, तेरे को आया भाई पक्का? चल ठीक, तो यहां से अब ये इक्वेशन एक बना, ठीक है। अच्छा T1 माइनस T2 करेगा यहां से तो ये G कितना डालेगा, 10, तो ये 40 आएगा, इसको 2 मान लो, क्या बोल रहा है बोलो, आंसर आ गया। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, इसका देखते हैं, ये वाले का, ये कितना केजी का है, 2 केजी का, तो इस पर नीचे कितना लगेगा, 2G, और ऊपर क्या लगेगा, T2, ऊपर लगेगा T2 और नीचे क्या लगेगा, 2G, तो ये T2 किसके बराबर होगा, क्या इस पर T1 लगेगा ये 2 केजी वाले पे, बोलो क्या इस 2 केजी पे T1 नहीं लगेगा ना, T1 तो कहाँ ऊपर है भाई, इसमें कैसे लग जाएगा? तो तुम क्या लिखेगा यहाँ से फिर, कि T2 बराबर कितना, 2G, कोई दिक्कत है बोलो? ठीक है, तो यहाँ से T2 आ जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि जी का वैल्यू कितना डाला है यहाँ पर, 10, तो 2 × 10 = 20, और यहाँ से अब देखो तुम T1 निकाल सकता है, तो T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 न्यूटन, तो T1 भी निकल गया और T2 भी निकल गया, समझ में आया? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया ये, ठीक है लिख लो, हाँ प्रैक्टिस के लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन है क्या, इक्विलिब्रियम लिखा है, अब इक्विलिब्रियम मतलब कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, जब सिर्फ इक्विलिब्रियम लिख दे मतलब दोनों हो रहा है। यहां पर बोला है फाइंड M1 एंड M2 इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और बोला है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये किस चीज को तुम्हारा औकात बता रहा है, ये कि तुम फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, नो फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मत सोचना। अब देखो फिर बोल रहा है, अभी पूछेंगे बाबू एकदम खतरनाक खतरनाक, ये समझ आया तेरे को? चलो ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इसका बनाएंगे पहले क्या, FBD। बाबू यहाँ पर एंगल 30 और कितना दिया है, 60, ठीक, तो पहले ये बताओ इस पर नॉर्मल कैसे लगेगा। अच्छा नॉर्मल ये सबको तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ पर ऐसे नॉर्मल होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो है ही, तो कैसे करेगा इसको तुम लोग, पहले खुद ट्राई करेगा क्या? चलो खुद ट्राई करो, पहले 2 मिनट खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी था भाई, हम गलत मतलब लिख दिए थे, M1/M2 लिखना चाहिए हमको, ठीक है, M1 एंड M2 लिखते थे गलती से, M1/M2 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ये ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, यहाँ भी टेंशन कितना होगा, भाई साहब टेंशन सेम कैसे हुआ बताओ, बताओ सेम कैसे हुआ, उसको बताने दो, रुक जाओ। देखो ये एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, और बीच में ये क्या है, पुली, तो ब्लॉक तो आया नहीं ना बीच में, तो सब में टेंशन सेम रहेगा। अब मान लो कि यहाँ पर एक और तीसरा ब्लॉक होता तब यहाँ पर टेंशन क्या ले लेता, फिर इसको T1 तो इसको T2, समझ गया, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ दो ब्लॉक है, तो दो ब्लॉक के बीच में जो टेंशन रहता है वो तो पूरा T रहता है ना, नहीं समझ में आया, आया पक्का? ठीक, तो अब देखो इसका पहले FBD बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, M1G, और इसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे, M2G। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम पहले इसका क्या करेगा, कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ एंगल कितना ले लेगा, 30 हुआ, यहाँ एंगल तुम ले लेगा कितना हो गया, 30 डिग्री, हाँ बोलो भाई साहब, नॉर्मल ऐसे होगा, अच्छा M2 में ऐसे होगा नॉर्मल, क्या किस तरफ, किस तरफ, अच्छा इस तरफ,
भाई साहब ऐसे नॉर्मल लगेगा? भाई साहब हम ऐसे टेढ़ा होंगे तो नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, मेरे साथ साथ झुकेगा ना नॉर्मल। ये M2 किधर झुका हुआ है? ऐसे, तो इस पे नॉर्मल ऐसे। मान लो ये M1 ऐसे, तो इस पे नॉर्मल ऐसे। समझा क्या? हाँ, √3/1, सही बोला। तो ये एन ऐसे एन ऐसे, समझ गया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा एक बात मेरा याद रखना बहुत जरूरी, हम बताना भूल गए। देखो यहाँ पर लिखते हैं हैशटैग ऑलवेज रिजॉल्व MG। बाबू तुम चाहो तो नॉर्मल को भी तो रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन तुम किसको रिजॉल्व करना? MG को। ये बात हमेशा याद रखो, इस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। तुम लोग याद करो, तुम लोग थोड़ा देर पहले जो FBD बनाया उसमें नॉर्मल और MG दोनों को रिजॉल्व करके दिखाएं, लेकिन कोई वो न्यूमेरिकल नहीं था, वो तो बता रहे थे कि कैसे रिजॉल्व होता है। तुम हमेशा न्यूमेरिकल में कभी भी ऐसे डॉटेड लाइन करके थीटा करके इस N को मत तोड़ना। किसको तोड़ना? MG को तोड़ना, ये समझा? MG को हमेशा रिजॉल्व करना। अब इसका रीजन क्या है, जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे कि इसका रीजन क्या है MG को तोड़ने का। रीजन है बाबू, N को कभी रिजॉल्व नहीं करते हम लोग, हमेशा किसको रिजॉल्व करते हैं? MG को। इसका रीजन बताएंगे, ठीक है। अच्छा इस तरफ अगर थीटा है, देखो यहाँ 30 डिग्री लिखे तो उसमें कोई दिक्कत हो गया क्या? बताओ भाई साहब, यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा बताए थे ना, तो ये 30, तो यहाँ भी कितना होगा? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? MG cos 30। और यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छा MG नहीं लिखेंगे, M1 लिखेंगे ना, M1G cos 30। और यहाँ क्या लिखेंगे? M1G sin 30। ये समझ आ रहा है तेरे को कि बाउंस कर रहा है ऊपर से? हैं, आ रहा है? चलो ठीक है, तुमको समझ आ रहा है तभी वीडियो में व्यू जाएगा बाबू, नहीं तो नहीं जाएगा। ये ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हो जाएगा M1G sin 30 किसके बराबर होगा बताओ? टी के। अब अपने से हर सवाल में मत बराबर कर लेना, यहाँ लिखा है क्या इसीलिए बराबर कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसके बारे, इसका टेंशन लेने का जरूरत है नहीं है, इसको क्या कर देना। और ये भी क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमको यहां पर, तुम चाहो तो इसको इसको इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे समझो हम ये एक इक्वेशन बनाए ना, कैसे बनाए इक्वेशन? ये वाले को लिए, तुम चाहो तो इसको और इसको भी ले सकता है। तो सर लेके बनाइए फिर, कहीं बना रहे लेके उसको? भाई साहब उससे नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा? भाई क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, तो इसका क्या होगा? समझा? दोनों में नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा? अलग अलग। तो सर इससे क्या प्रॉब्लम होगा? अभी समझ आएगा तेरे को, अभी देखना आराम से। अच्छा यहां पर देखो ये टी जो, अच्छा इसका भी ऐसे ही करेगा, यहां पर इसका क्या लेगा बताओ? यहां पर क्या लेगा इसका बताओ? जैसे यहां, यहां पर भाई साहब यहां 60 दिया है, तो अगर ये 60 है तो यहां भी कितना होगा? 60। तेरे को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग लिखेंगे M2 cos 60, और M2G लिखेंगे ना, ठीक है। बताओ इधर कितना लिखेंगे बताओ तुम, इस तरफ कितना लिखेंगे? हाँ M2G sin 60 ना, 30 कहाँ, ठीक है। अब तुम इसको, इसको बराबर है ये, मतलब ये वाला इससे क्या हो रहा है और ये भी इससे क्या हो रहा है, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन काम हम किससे करेंगे? इससे करेंगे। सॉरी इसको, इसको काहे नहीं यूज करेंगे, अभी बताते हैं, रुक जाओ। ये वाला इसके बराबर, तो इसको तुम लिखेगा इसको, इसको बराबर करके टी बराबर क्या बोलो? M2G sin 60। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2। अब तुमसे क्या पूछा था? M1 by M2। तो देखो अगर तुम इसको इससे डिवाइड कर देगा तो M1 by M2 आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। समझा मेरा बात? तो क्या कर दो, 1 2 को डिवाइड कर दो 1 से, या 1 को 2 से, जिसको मन में आया उसको डिवाइड कर दो। तो 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। देखना भाई 1 को 2 से डिवाइड करेगा तो मिल जाएगा यहाँ से तेरे को T by T, टकला बाई टकला इज इक्वल टू M1G sin 30 अपॉन M2G। अच्छा यहाँ पर M1 M2 का कुछ मतलब ये दिया हुआ है क्या? M1 बड़ा M2 छोटा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर M2G sin 60। कोई कष्ट बोलो, यहाँ पर ये T से T क्या हुआ? मर गया। G से G क्या हुआ? मर गया। अब ये M2 ऊपर जाएगा, तो M2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M2 upon M1। भाई साहब इसको इधर भेजे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया तेरे को? नहीं आया समझ में? आ रहा नहीं आ रहा क्या समझ में? देखो ये M2 को इस तरफ भेजे और M1 कहाँ भेज दिए? नीचे। तो M1 नीचे और M2 कहाँ भेज दिए? ऊपर। यहाँ पर क्या बचेगा? sin 30 बाई नीचे में कितना? sin 60। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? भाई साहब जो इधर था उसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा M2 by M1। चलो तुम बताओ sin 30 का वैल्यू
साइन 30, रूट 1/2, रूट 1/2, 1/2, 1/2, और साइन 60 कितना होगा? रूट 3/2। कोई दिक्कत? देखो याद रखो यार, ये सब याद नहीं तेरे को फॉर्मूला बोल। अरे भाई तो पहले इसको सॉल्व करके निकाल ले, फिर पलट देना भाई साहब, सॉल्व कर ले फिर पलट देना इसको लास्ट में। तो ये 2 से 2 मर गया, तो कितना आया बोलो? 1/√3। लेकिन तेरे को चाहिए क्या? m1/m2। तो इसको पलट ले भाई, इसको पलट ले भाई। तो पलट के क्या आएगा? पलट के आएगा m1 को ऊपर जब करेगा तो m2 कहाँ जाएगा? नीचे। और ये √3 कहाँ जाएगा? और नीचे 1, तो √3/1 आएगा। नहीं आया भाई तेरे को समझ में? आया तुमको पीछे आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो डायरेक्ट बोलना है, ठीक है? अगर चुपचाप रहोगे तो जिंदगी भर फिर चुपचाप रह जाओगी, फिर समझिए कभी जिंदगी, कभी जीवन में समझ नहीं आएगा ये, ठीक है? तो ये तुम्हारा इसका आंसर हुआ। अब देख, ये बात हमेशा याद रख भाई, इससे इस सवाल से ये समझ आया, ये बड़ा जरूरी बात बता रहे हैं हर न्यूमेरिकल के लिए। HC वर्मा में जितना एक्सरसाइज दिया हुआ है, तुम एक्सरसाइज में अगर MG को रिजॉल्व करके सॉल्व करता है तो सॉल्व होगा, अगर नॉर्मल को रिजॉल्व करेगा तो सॉल्व ही नहीं होगा न्यूमेरिकल। उसका रीज़न है भाई साहब, उसका रीज़न है, नॉर्मल रिएक्शन को तभी रिजॉल्व करो, नॉर्मल रिएक्शन को तभी रिजॉल्व करो, मतलब तोड़ो उसको, जब तुम बना रहा है इसका सवाल सर्कुलर मोशन, मतलब कि इसमें जिसमें फ्रिक्शन आता हो, टर्न जब गाड़ी लेता है, बैंकिंग ऑफ रोड टर्न जब लेता है, उसमें सिर्फ नॉर्मल को रिजॉल्व करते हैं। तुम लोग एक चीज पे ध्यान दिया, वहां जो पीछे हम सवाल किए उसमें n sin थीटा को कोई बैलेंस करने वाला था? अरे अभी जो डायग्राम बनवाए थे उसमें देखो, एक n sin थीटा आ रहा था, उसको कोई बैलेंस करने वाला था उसके सामने? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि वो जो FBD है वो इन सब के लिए बनेगा ही नहीं। n sin मतलब नॉर्मल रिएक्शन को कभी रिजॉल्व नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं, नेवर। कब रिजॉल्व किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड में। ये तुमको आगे समझ में आएगा, बस अभी इतना चीज याद रख लो ना कि अब हमेशा किसको रिजॉल्व करना, अभी रट लो ये चीज कि हमेशा MG को ही क्या करना, तोड़ना। नॉर्मल को जैसा है वैसे ही रहने देना, उसको मत तोड़ना। कब तोड़ना है उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा एक और जरूरी बात, जब नॉर्मल को तोड़ेगा तो MG को नहीं तोड़ सकता है, जब नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व करेगा तो MG को रिजॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय जो MG का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। नॉर्मल का जरूरत जब ज्यादा पड़ेगा तब उसको रिजॉल्व करना है क्या? नहीं नहीं अभी बताया जाएगा, बताया जाएगा, ये बताएंगे तो, वो जब आएगा ना वो चीज उस समय बताएंगे। दोनों को प्लस करके मतलब अच्छा, हम वो जब आएगा एक्सेलरेशन ना तो उसमें बताएंगे वो, ठीक है? ये समझ गया यहां तक? चलो यहां देखना ना, देखो हम बोले थे हम बोले थे कि ये जो N1 है यहां पर क्या कर रहा था कंपोनेंट, यहां पर M1G cos 30 ऐसे आ रहा था। तुम इसको इसको बराबर लिख सकता है बोलो, इसको इसको बराबर लिख सकता है? अरे लिख सकता है भाई, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, क्योंकि सवाल में इक्विलिब्रियम लिखा है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम होगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। मतलब ब्लॉक किस में होगा? रेस्ट में, रेस्ट में होगा। यानी किसका सवाल है ये? न्यूटन्स। एग्जैक्टली देखो अब यहां पर हम लिखते हैं M1G cos 30 किसके बराबर होगा? N1 के। और ये किसके बराबर होगा? मतलब M2G cos 60 किसके बराबर होगा? N2 के। अब तुम इसको डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके ये कटेगा, देखो इसको डिवाइड कर, ये जी तो कट जाएगा लेकिन क्या ये कटेगा? इसीलिए इससे हम नहीं किए, हम किसको लिए? टेंशन को, क्योंकि टेंशन तो बराबर था दोनों में, इसमें भी टी और उसमें भी टी, तो उसको लेके फायदा होता, कट के देखा आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया? ठीक है चलो, तो हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक लॉ ऑफ मोशन मतलब फर्स्ट लॉ के ऊपर करेंगे। बोलो क्या? एन का वैल्यू एम का निकालेगा, पगला गया। इसको लिखेगा M1G cos 30, अगर उसको लेके करेगा, अगर तुम उसको लेता है अगर इसको इक्वेट कर लेता है ये वाला, नहीं 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 निकलेगा। कैसे निकालेगा एन बता तू? हाँ उसके बाद, उसके बाद क्या करेगा? यहाँ M1 का वैल्यू अपने से डाल देगा,
हाँ फिर देख, फिर अभी बोल रहा है भाई साहब, ले पढ़ इसको, क्या लिखा इसको ठीक से पढ़ो। ठीक है, पहले क्या करेगा कि गाड़ी लेके आगे बढ़ गया, उसके बाद बोला कि फिर वहाँ उसको जो पुलिसमैन रहा बोलेगा देखो यहाँ पर तो नो एंट्री था, बोलेगा अरे रे हम तो देखे नहीं थे। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया? ओके चलो देखो बाबू कैसे करना है इसको। ये NCERT का क्वेश्चन है, यहाँ देखो ये बालक है भाई, यहाँ देखो उसका बात मत ध्यान दो, यहाँ देखो तुम वहाँ जाओ वापस, भागो भागो वहाँ से, यहाँ से। इसमें देखो बोला है कि एक मास है 6 kg का जो कि सस्पेंडेड है, ठीक है, मतलब लटका हुआ है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है, ऐसे लटका हुआ है। कितना मास, कितना का मास है 6 kg, और इसका टेंशन कितना है यहाँ पर T। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोला है कि बाय अ रोप, रोप मतलब भाई स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 meter, इसका लेंथ कितना दिया स्ट्रिंग का? 2 meter। बोला है फ्रॉम अ सीलिंग अ फोर्स ऑफ 50 N इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। हम जानबूझ के इसका डायग्राम नहीं दिए थे, हालांकि इसका डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसके आगे जो तुमको क्वेश्चन करना है उसमें डायग्राम नहीं दिया रहेगा, समझ रहा है? इसी टाइप का क्वेश्चन करना है जो कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ के ही ऊपर होगा, और उसमें कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम खुद बनाने आना चाहिए। देखो जैसे ये वाला है ना, अब देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है कि तुम एक फोर्स लगाता है 50 N का ऐसे हॉरिजॉन्टल, किसके ऊपर? रस्सी के ऊपर, रस्सी को मतलब ऐसे ढकेलता है, मतलब देखो कुछ इस टाइप का, एकदम एग्जैक्टली यही कर रहा है। तुम देखो जैसे ये वाला मास है वो उल्टा है, ये वाला मास ऐसे लटका हुआ है, ठीक है, ऐसे लटका हुआ है, और तुम क्या कर रहा है इसको ऐसे कर रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो ये वाला रस्सी तो वैसे ही रहेगा ना। यहाँ पर देखो मान लो कि ये सपोर्ट है, ये जो बनाया है सपोर्ट, मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये जो खींच रहा है ये कौन खींच रहा है? हम खींचे ऐसे, तो ये रस्सी तो बाकी ऐसे ही रहेगा ना, लेकिन ये वाला इधर आ जाएगा। तो अब देखो डायग्राम हम वैसे ही बनाएंगे, देखो यहाँ से तुम खींचा उसको, तो खींचने के बाद कैसा हो गया? होगा ऐसा, बताओ, ये तुम खींचा इधर से और ये कितना एंगल घूम गया है? थीटा एंगल। कोई दिक्कत बताओ, तेरे को आया समझ में ये? तो थीटा यहाँ ऐसे नहीं बनेगा, थीटा यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ से देखेगा ना थीटा, नहीं समझा भाई साहब? थीटा यहाँ से देखना है, क्यों? क्योंकि पहले ये यहाँ पर था ना, यहाँ से ऐसे गया है, तो थीटा तुम यहाँ से मेजर करेगा ना कि कितना उधर खिसक गया है क्या, तो थीटा यहाँ से मेजर होगा, ये थीटा होगा, क्लियर है? नहीं बताओ, ठीक है। और यहाँ पर टेंशन अभी भी कितना रहेगा? टी। लेकिन अभी तुम यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया ना, तो अच्छा एक बात बताओ, फोर्स कितना लगाया? 50 N, तो यहाँ पर लिखेगा 50 N, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर कितना लिखा? 50 N, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या यहाँ पर भी टेंशन उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर है? अलग ले लो, T2 ले लो, क्योंकि तुम यहाँ पर से खींच दिया ना, तो हो सकता है रस्सी यहाँ से ज़्यादा ढीला, यहाँ से ज़्यादा टाइट हो गया हो, और यहाँ पर क्या हो गया होगा? ढीला, तो टेंशन रस्सी का बदल जाएगा। समझ आया नहीं आया ये तेरे को? T1 T2 क्यों लिए, क्लियर है? अच्छा अब तुम बताओ बाबू जरा, अगर यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर कितना एंगल होगा? अगर यहाँ से लाइन खींचे तो ये कितना होगा? थीटा होगा। उसका रीज़न क्या है तुम बताओ? गलत, वर्टिकली अपोजिट एंगल, भाई साहब गजब, कुछ भी कुछ भी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट कहाँ? नहीं गलती, तू क्यों किया गलती, यहाँ तक समझ गया। चल देखा भाई साहब, पूछा क्या है? अच्छा ये कितना केजी का है? 6 kg का, तो नीचे कितना लगेगा? आदर्श बात मत करो, यहाँ पर नीचे कितना लगेगा? 6 kg लगेगा भाई साहब, ठीक है ये? अच्छा अब ये 6 kg को बैलेंस कौन करेगा? ऊपर वाला, तो यानी ये T1 का कंपोनेंट इस तरफ और इस तरफ लेना पड़ेगा। चल यहाँ पर बना के दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर तू कितना फोर्स लगाया? 50 N। ये T1 है, यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? T1 cos, कोई दिक्कत? और इस तरफ कितना हो जाएगा? T1 sin थीटा। भाई साहब कंपोनेंट इसीलिए किया जाता है ताकि इस सिस्टम को किस में रखें? इक्विलिब्रियम में। सॉरी, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब अगर इधर हमको कोई 5 N से खींच रहा है तो इधर भी 5 N से खींचना चाहिए, तभी हम यहीं पर रहेंगे। समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं बताओ? सो रहा है क्या तू? चल ठीक तो यहाँ से ये हो गया T1 sin थीटा। भाई साहब अब यहाँ नीचे कितना फोर्स है? यहाँ पर ब्लॉक था ना,
नीचे कितना फोर्स है? 6G। ये 6G को कौन बैलेंस कर रहा है? T1 cos थीटा। बस बकलोल आदमी गलत बोल दिया, यहाँ पर T2 भी तो है, ठीक है। अच्छा तो तुम यहाँ से लिख सकता है T1 sin थीटा बराबर क्या? 50। अरे भाई भाई सोचे लाइट क्यों कम आ रहा है। T1 sin थीटा बराबर 50 है। T1 sin थीटा बराबर 50, कोई दिक्कत, इसको मान ले। अच्छा ये दोनों को बराबर क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पे ये किसमें है? इक्विलिब्रियम, मतलब जितना इधर उतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे। सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? स्ट्रिंग टूट जाएगा। नहीं समझा भाई, ये किसका कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं? इक्विलिब्रियम, कि नीचे जितना फोर्स उतना ही फोर्स इधर भी, तब नहीं ये ऐसे रुका रहेगा। समझ में आ रहा है तेरे को? नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या भूत बन गया क्या तेरे को? आया ही समझ में कि नहीं आया? नाइन्टी माइनस थीटा। अरे बालक ये तो होगा ही ना 90 माइनस थीटा, तो इधर हम थीटा ले लिए, तो ये वाला बचाओ कितना होगा? तो हम थीटा का तोड़े हैं ना कंपोनेंट, तो थीटा थीटा लिखेंगे। तेरे को आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है? पक्का कि तुक्का बोल भाई। T1 cos थीटा प्लस T2 इज इक्वल टू 60। ये समझा कि नहीं? चल देख बता रहे, ये वाला T1 ऊपर है और ये वाला भी कहाँ है? तो सेम डायरेक्शन में दोनों, तो दोनों को ऐड कर दिए। बराबर किसके लिख दिए? नीचे वाले के 60 के, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन टू। पूछा क्या सवाल में? एंगल निकालना है, एंगल पूछा है, ठीक। अच्छा हम एक चीज सोच रहे हैं कि ये T1 cos थीटा जो है ना, इसमें हमको थोड़ा कष्ट लग रहा है। रुक जा, ये हमको लगता है हम गलत लिखे हैं, ये शायद हम गलत लिखे हैं। क्यों बताते हैं? देखो ये T2 जो है ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं? रुक जा, एक मिनट भाई साहब, यहाँ ये इक्विलिब्रियम में अगर, तो ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन तुम एक बात समझो कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स हालांकि आ इसी में रहा, बट ये तो कंपोनेंट से आ रहा है ना, कंपोनेंट से रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, ओ अच्छा समझ गया। चलो तुम लोग अब बताओ यहाँ पर अब कैसे होगा? हम तो भाई समझ में आ गया, कहाँ पर? हाँ तो वहाँ भी कंपोनेंट तोड़ दे। ये वाला जो है ना वो इससे बैलेंस होगा हमको लग रहा है। क्यों बता रहे हैं? रीजन समझो, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना, समझो मेरा बात। देखो हम यहाँ पर बताते हैं, देखो यहाँ पर बताते हैं, देखो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम समझता है ना? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मतलब ये पॉइंट पे, जैसे मान लो हमको कोई इधर 5 न्यूटन से खींचा, इधर 6 न्यूटन से, तो सामने भी मान लो कोई 5 न्यूटन से, तो पीछे कितना न्यूटन से खींचेगा? तब ना हम रुके रहेंगे। तो हम बॉल तभी से वही बता रहे, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे, और हम तो उल्टा लिख रहे थे, इसको सम करके इसके बराबर गलत लिख रहे थे ना। ये वाला जो होगा इस पॉइंट पे, ये वाला इन दोनों के बराबर होगा। नहीं समझा भाई साहब? ये वाला ना इन दोनों के बराबर होगा। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया। हम इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पे लाना चाह रहे। देखो यहां पर डायग्राम बना के बताते हैं, देखो यहां पर बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है और नीचे में क्या है? 6G, कोई दिक्कत। अच्छा ऊपर में कितना है? T1 cos थीटा। इधर कितना है? 50। इधर कितना है? अच्छा एक और है यहां पर, एक और यहां पर कितना है? T2। अभी समझा भाई? देख तो ये दोनों फोर्सेस माइनस होगा किसके बराबर होगा? इसके। नहीं आया समझ में अभी भी? अभी नहीं आया। तू लिखेगा यहां से T1 cos थीटा बराबर किसके होगा? आंसर देखते हैं, T1 प्लस 6G के, और यहां पर हाँ T2 माइनस 6G। नहीं समझाइए, ये दोनों अपोजिट में है ना, T2 ऊपर 6G नीचे, तो दोनों को माइनस करेंगे और किसके बराबर लिखेंगे? ये ऊपर वाले के, बाकी ये 50 इसके बराबर। तो T1 साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? 50। कोई दिक्कत है? समझ आया ये?
चलो आगे करो, अब कैसे करेगा? अब तुमसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, एंगल। तो एक काम करो, ये इसको इससे डिवाइड कर दो, तो साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, टी टू डी टू कट जाएगा तो एंगल आ जाएगा। करो खुद ही, क्या 5/60 है, क्योंकि इस पॉइंट को वो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसको नहीं कंसिडर किया, ब्लॉक को, उसको इग्नोर कर दिया है। समझा मेरी बात? ये ब्लॉक को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बताए तभी से कि इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाना है, इसलिए ब्लॉक को इग्नोर कर दे रहा है। वो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? इस पॉइंट के बारे में। समझ गया? तो यानी कि यहां पर 6g नहीं लेना है। तुम ले सकता है यहां पर, लेता कब? लेता जब यहां पर ये पूरे का बात करता, लेकिन तुम तो खाली इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाना है तुमको, इसलिए ये ब्लॉक को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है? तो यानी कि जब तुम इसको डिवाइड करेगा तो t1 साइन थीटा बाई t2, सॉरी t2 नहीं यहां पर होगा क्या? अच्छा, ये t2 का वैल्यू कितना होगा? देखो तो वही होगा यार, तभी से ये इसी में गलती कर रहे थे हम। ये t2 60 न्यूटन होगा, वही गलती कर रहे थे। ये t2 का वैल्यू ही 60 न्यूटन होगा ना, ये t2 60 न्यूटन। चलो तुम बताओ बाबू, ये t2 60 न्यूटन कैसे लिखे, कैसे कहाँ दिया है? नहीं नहीं, यहाँ पर हम क्या किए ना, ये t2 का वैल्यू उसके इक्वेट किए, तो इससे इक्वेट किए तब आया कितना वो 60 न्यूटन। समझा? तभी हम गलती कर रहे थे, ये वाले को थोड़ी, हम पहले इन दोनों को बराबर करके t2 निकालते और ये t2 इसके बराबर होता ना। समझ गया? यहाँ पर उसको नहीं खींचना है, 6g को नहीं दिखाना है यहाँ पर। समझ गया कि नहीं? समझा कि फिर बताएं? समझ गया? तो यहाँ पर ये t2 ऐसे नीचे लगेगा बाबू, हम दोनों को ले रहे थे साथ में और गलत कर रहे थे, जो कि बताओ बोलो क्या बोल रहे हैं कौन? कैसे 0 के इक्वल होना चाहिए? अरे कैसे नहीं, नीचे फोर्स, ये वाला और ये वाला बराबर है तो कैंसिल होके 0 हुआ। देखो ठीक से, देखो देखो ठीक से, देखो 0 नहीं हुआ, देखो ठीक से। यहां पर ये t1 cos थीटा किसके बराबर है? तब ना ये इक्विलिब्रियम में आएगा ये पॉइंट, भाई साहब ये इसके बराबर होगा तब ना ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। नेट फोर्स 0 है, t1 cos थीटा थोड़ी 0 है, नेट फोर्स में और फोर्स में अंतर होता है। जैसे मान लो कि हम खड़े हैं यहां पर, हमको 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्सेस तो लग रहा है ना, बट क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स 0 है मेरे ऊपर। ये मत, ये बिल्कुल बोलना गलत है कि तुम इसको 0 बोल रहे हो, गलत। तो हाँ, ये कैंसिल नहीं हुआ बाबू, मतलब कैंसिल हो रहा है ये। कंफ्यूज हो गया, देखो हम सही बताते हैं कॉन्सेप्ट, देखो सही गड़बड़ा गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा, देखो बता रहे हैं हम सही सही, देखो बताते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पर मिटा के फिर बता दे रहे, देखो गड़बड़ा गया वो, देखो देखो यहाँ, देखो यहाँ आदर्श, यहाँ देखो, नहीं नहीं देखो यहाँ पर ठीक से देखो। जैसे ये 6g को कौन बैलेंस कर रहा है? बैलेंस कर दिया उसको, तो बैलेंस करने का मतलब क्या है कि रस्सी टूट के नीचे गिर जाएगा, ये मतलब है क्या उसका? बैलेंस करने का मतलब है ये जितना है उतना ही ये है, तो ये ऐसे रुका हुआ है, ये मतलब हुआ ना इसका। जैसे मान लो कि तुम कहीं पर रस्सी पकड़ कर टंगा हुआ है, तो तुम्हारा जो वेट है और जो रस्सी का टेंशन है वो तुमको पकड़ पा रहा है। मान लो रस्सी ढीला पड़ गया तब ना टूट के गिरेगा, तो तुम रस्सी पे लटक तो रहा है, इसका मतलब क्या? रस्सी का टेंशन 0 है, लटक रहा है तुम, तो तुम रस्सी पे लटक रहा है, टेंशन रस्सी का 0 है? नहीं, तुम्हारा जितना वजन है उतना रस्सी को वो क्या कर, रस्सी क्या कर रहा है, उसको झेल पा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि ये t2 और 6g बराबर है, इसका मतलब ये मत सोचो कि ये कैंसिल होकर यहाँ 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 होगा, बाकी फोर्स है इसलिए ना ये रुका हुआ है। ये यहाँ पर कितना है, ये 60 न्यूटन, और यहाँ पर ये भी कितना है, 60 न्यूटन, इसीलिए ये रुका हुआ है। अगर ऐसा होता कि ये यहाँ नहीं होता तब ये कहाँ गिर जाता? समझा मेरा बात? तो ये वाला जो कैंसिलेशन, तुम पूरा कॉन्सेप्ट पूरा गड़बड़ा दिया आदर्श, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। ये 60 न्यूटन और 60 न्यूटन आपस में यहाँ पर लग रहा है, एक्टिंग, दे आर एक्टिंग हेयर, तब ये कैंसिल होकर रुका हुआ है। कैंसिल होने का मतलब ये मत सोचो कि ये फोर्सेस ही हट गया, तुम ये सोच रहे कैंसिल हो गया मतलब फोर्स हट गया, वहां से हटेगा थोड़ी, नेट फोर्स ना हटे, नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 मतलब यहां फोर्स नहीं है। हाँ हाँ, नीचे वाला के, तो तुम हमको ये बताओ यहां पर कौन सा फोर्स है, ये है कि ये है, दोनों है क्या यहां पर?
क्या यहां स्ट्रिंग में दोनों फोर्स लग रहा है? दोनों लग रहा है। वाह भाई साहब, गजब भाई साहब, स्ट्रिंग में सिर्फ T2 लग रहा है, ये 6G तो ग्रेविटी लग रहा है ना, जो कि स्ट्रिंग में थोड़ी लग रहा है। समझ आया? नहीं आया समझ में तेरे को? क्या तो यहां पर ये T2 होगा कि नहीं होगा बताओ? T2 यहां होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तब ना इसको कैंसिल कर रहा है 6G को, और ये ब्लॉक यहां रुका हुआ है। इसको मान लो 0 मान ले, तब तो ये ब्लॉक कहां गिर जाएगा? नीचे। समझ गया? तो T2 है वहां पर। कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि T2 जीरो हो गया, कैंसिल होने का मतलब ये है कि इसको वो मैनेज कर रहा है। तुम लोग कैंसिल होने का मतलब जीरो समझ ले रहा है। जैसे हम यहां पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि इधर 5 लग रहा है न्यूटन दोनों तरफ से। मान लो एक हट जाता है तो हम उधर चल जाएंगे। समझ गया मेरी बात? तो ये वाला लगेगा बाबू, तभी तुम यहां पर जो कॉम्पोनेंट इसका ले रहा है, क्या ले रहा है कॉम्पोनेंट? T1 cos थीटा। इधर क्या ले रहा है? T2 sin थीटा, सॉरी T1 sin थीटा। अगर समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां पर हम लिखेंगे T1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 50। और यहां पर T1 cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 60। अच्छा एक और चीज समझो, वही हम गड़बड़ी कर रहे थे कि इसको दोनों को ले रहे थे, दोनों को नहीं लेना है, और दोनों को ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये वाला ऊपर लग रहा है, ये वाला कहां लग रहा है? नीचे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कैंसिल होकर वहां पर रोक रहा है उसको। तो इसका काम है T2 का इसको बैलेंस करना, और जब तुम इस पॉइंट का बात करेगा तो सिर्फ T2 को इंक्लूड करेगा, इसको नहीं कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये वाला जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रस्सी पे थोड़ी लग रहा है। क्या यहां पर ये वाला जो एरो, ये नीचे लग रहा है ना, यहां पर लग रहा है एरो, इसलिए नहीं लेना उसको। समझ में नहीं आया? तो यहां से फिर जब तुम इसको डिवाइड करेगा तो T1 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा? टैन थीटा बराबर कितना आएगा? 5/6। तो ये थीटा को क्या लिखेगा? टैन इनवर्स। तो ये थीटा का आंसर होगा। समझा भाई कैसे किया कि नहीं समझा? यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, क्लियर है कि नहीं है? अभी भी डाउट है क्या? तो ये थीटा कैसे निकाले, क्लियर है? दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन बाई कॉस टैन हो गया। अब टैन इधर भेजो, टैन इनवर्स 5/6, ये आंसर हुआ। अब जरा हमको ये बताओ कि टैन ही क्यों, कॉस बाई साइन क्यों नहीं किए, साइन बाई कॉस ही क्यों कर रहे हैं? नहीं ले सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन के लिए हमेशा टैन थीटा को हम लोग फिजिक्स में सिग्निफाई करते हैं। अगर तुम कॉट थीटा ले लिया तो जो तुम वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर वेक्टर में क्या पढ़ा है कि टैन बीटा टैन अल्फा निकालते हैं। क्या चीज से? कॉट थीटा से भी सेम आंसर आएगा, कॉस कॉट। तो टैन लेके ही हमेशा करना, ये बात मेरा याद रखो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग फिजिक्स में हमेशा टैन को ही लिए हैं डायरेक्शन जस्टिफाई करने के लिए। जैसे याद करो, तुम वेक्टर पढ़ा था ना, तो वहाँ टैन निकालते थे हम लोग। अभी तुमको थोड़ा देर और रुक जाओ, आगे जाके समझ में आएगा कि क्यों हम रटवा नहीं रहे कि टैन ही लेना, उसका कारण हम कोई बहुत बेहतरीन कारण नहीं दिए हैं। आगे अभी समझ में आएगा, नहीं आगे मतलब कि आज ही, कि टैन ही क्यों लेते हैं। ठीक है, लिखो इसको। टैन थीटा ही क्यों लेना है, कॉट थीटा क्यों नहीं भाई? उसका रीज़न बताएंगे अभी। चलो देखो, हम बता रहे हैं, सुनो बाबू, पहले सुन लो ये क्वेश्चन के बारे में 2-3 लाइन। ये जो क्वेश्चन है, जो पीछे हम लोग किए NCERT का था, सेम वही लॉजिक पे एकदम सवाल है। और देखो, JEE मेन 2019 में आया है। अब बोलो क्या? नहीं नहीं, जैसे पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें पूरा रोप डेविएट किया था ना, पूरा रोप ही डेविएट किया था और एक पॉइंट से किया था, आधा बचा हुआ था, वैसे ही सेम है ये। पढ़ो ठीक से, वही सही से बोल रहा है, पढ़ो ठीक से, किसी एक पॉइंट पे लगाया, साफ साफ लिखा है इसमें तो। ठीक है, और वही सेम NCERT वाला सवाल को एकदम कॉन्सेप्ट लेके किया है। ये देखो कैसे करना है, ये चार ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये चार ऑप्शन थे। देखो बाबू, यहाँ देखो, तुम लोग देखो, अभी अपना मत बनाओ, अभी देखो, जब हम सॉल्व करें तो तुमको अपना नहीं बनाना, यहाँ देखना है। ठीक है, देखो बेसरम, ए भाई यहाँ देख ले, बोला है कि एक मास 10 kg वाला ब्लॉक है, और जिसको हम क्या किए, सस्पेंड किए। कैसे सस्पेंड किए हैं? कैसे सस्पेंड किए? वर्टिकली, मतलब ऐसे ही लटकाए हैं, वही जो तुमको बता रहे थे, बाय अ रोप, मतलब वही रस्सी है जो पीछे किए NCERT का क्वेश्चन, फ्रॉम द रूफ। रूफ समझता है? रूफ उसी सपोर्ट को बोल रहा है, ये जैसे सपोर्ट लगाते हैं ना, उसी को बोल रहा है। ठीक है, उस सपोर्ट से ऐसे करके लटकाए हैं। ठीक है, और कितना केजी का है ये? 10 kg का, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि व्हेन द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप एट सम पॉइंट, मतलब रोप के किसी एक पॉइंट पे, मतलब मान लो यहां लगाया होगा हॉरिजॉन्टल, बोलेगा सर हम तो यहां से लगाएंगे,
हम तो यहाँ से लगाएंगे, तब भी तुम जब ऐसे इसको खींचेगा, मान लो यहाँ से लगाया, यहाँ नहीं लिखा कि बीच में लगाना, लिखा है कहीं पर कि मिडिल पे लगाना, नहीं लिखा है, है? हाँ 100 न्यूटन आया, ठीक, यहाँ तो लिखा है कहीं पर कि बीच में लगाना है, नहीं लिखा है, बोलेगा सर हम यहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ से लगाएगा तब भी ये तो लटकेगा ही ना, जैसे मान लो ये चार्जर है, इस चार्जर को हम यहाँ से ऐसे करते हैं, लटकना तो फिर भी कन्फर्म है ना यहाँ पर से, समझ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से लगाते हैं फोर्स, लटकेगा वो तो कन्फर्म है, समझ गया ना। तो चलो इसको देखो अब खींचते हैं, तो अब ये डायग्राम कैसे दिखेगा, बोलो ऐसा दिखेगा कि नहीं बताओ, ये होगा कि नहीं बताओ, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, पीछे ही वाला क्वेश्चन जैसा है। अच्छा वैसे ही तुम जब यहाँ पर एंगल खींचेगा तो कितना हो जाएगा, ये कोई दिक्कत, यहाँ पर टेंशन सेम होगा, यहाँ भी पिछले वाले किस में एंगल कितना था, अच्छा एंगल तो पिछले वाले में नहीं निकाले थे ना। देखो पहले एक बात समझ लो बाबू, टेंशन जितना यहाँ का है उतना ही यहाँ का हमेशा नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर क्या लगा दिया है फोर्स। हाँ कोई कोई केसेस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन बराबर जाए, हमेशा नहीं आएगा, लेकिन समझ रहा है, तो हमको तो मालूम नहीं ना है कब आएगा नहीं आएगा, तो अलग अलग ले लेते हैं, यहाँ का टेंशन ले लेते हैं T1 और यहाँ का ले लेते हैं T2, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में क्या लग रहा होगा इसमें, 10G, ठीक है, फिर तुम इसका कंपोनेंट तोड़ेगा तो कंपोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगा, मतलब कि ये T1 का तोड़ेगा ना कंपोनेंट, तब ना बैलेंस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 cos, क्या बोल रहा है, बोलो बाबू बोलो क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ फोर्स यहाँ पर लगाए हैं ना तब ये ऐसे हुआ, तो इधर कितना लगाए हम, ये तो बहुत ज़रूरी है, कितना लगाए इधर फोर्स हम, अच्छा वही निकालना है, अच्छा मतलब कि उससे अलग है ये, और देखो इसलिए सवाल में फोर्स पूछा है, उसमें तो एंगल पूछ रहा था, मतलब ये पूछ रहा था उसमें, और इसमें एंगल दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, समझा नहीं समझा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट T1 cos 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत बताओ, नीचे में ये 10G, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये T2 का वैल्यू कितना होगा भाई साहब, क्योंकि ये वाला इसके बराबर, पीछे वाला सवाल में वही बहस किए हम लोग, ठीक है। अच्छा ये वाला अब इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके, क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये किसका सवाल है, NLM 1 का, कहाँ से मालूम चला, इक्विलिब्रियम लिख दिया, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। तो अब तुम लिखेगा, बोलो बाबू, टैन से क्यों करेगा, जब टैन से तो हाँ यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर भाई साहब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर, हाँ बोलो, यहाँ लाइन खींचे, ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ये 45, तो यहाँ ना 45 बनेगा, ठीक है, तो उससे क्या, भाई साहब एक ही बात हो रहा है ना, चलो ठीक, एक ही बात, तुम तो उसको बस पलट के बनाने लगे, तो उससे कुछ थोड़ी होगा, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला कितना होगा, अभी इसको दूसरा तरीका से बनाएंगे, जिससे एक लाइन में बनेगा ये सवाल, एक लाइन में, बिना कुछ किए, ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में बन जाएगा, वो दूसरा तरीका भी बताएंगे। खैर यहाँ पर क्या लग रहा है, ये फोर्स कितना, T2, ये समझा कि नहीं, यहाँ पर T2 क्यों लग रहा है, तो तुम ये T2 का वैल्यू कितना लिख रहा है, 100 न्यूटन, क्योंकि ये T2 उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो 100 न्यूटन होगा। अब तुम इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट से इसको इसके बराबर लिखेगा, मतलब कि तुम T1 cos 45 को लिखेगा 100 के बराबर, कोई दिक्कत, और फिर ये वाला इसके बराबर, मतलब कि T1 sin 45 बराबर किसके होगा, F के। अब ये T1 चाहिए होगा ना, अगर निकालना है तो T1 निकल जाएगा यहाँ से, ऊपर वाले से, देखो यहाँ से T1 निकाल लो, यहाँ से T1 आ जाएगा, cos 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2, cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, तो इसको जब तुम डालेगा 1 बाई रूट 2, तुमको नहीं याद है cos 45 का वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा 100, देखते जाओ आगे, यहाँ देखो ये रूट 2 यहाँ जाएगा, तो T1 आ जाएगा 100 रूट 2 न्यूटन, 100 रूट 2 आएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम T1 को डालेगा 100 रूट 2, बताओ साइन 45 का वैल्यू है, तुम बताओ साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2, तो ये फोर्स कितना आ रहा है यहाँ से, 100 बाई 2 आ रहा है, एक मिनट रुको रुको, कुछ गलती हुआ है क्या,
हाँ दोनों का सेम होता है। बोलो, रुको रुको। अच्छा हाँ हाँ रूट, हाँ हाँ T1 निकालना है, तो रूट टू उधर तो गया ही है। अरे भाई साहब, यहाँ पर 100√2 होगा ना, T1 का वैल्यू 100√2 डालेंगे ना यहाँ पर। भाई ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला समझा क्या? बोलो, ले सकता है ये नीचे? हाँ ले सकता, बिल्कुल ले सकता, बिल्कुल नीचे 45 ले सकता, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, ये आगे देखो क्या, हो सकता है, हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा क्या तेरे को भाई साहब? ये T1 का वैल्यू 100√2 है ना, हम 100/√2 लिख दे रहे थे, ठीक है? तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 100 न्यूटन। तो ये फोर्स आया 100 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है क्या चीज़? अब ये देखो जो बोल रहा है आदित्य, तुम्हारा दोस्त, ये बोल रहा है कि सर देखिए दो इक्वेशन बना है, एक बना है T1 cos 45, एक बना है T1 sin 45। तो एक काम कीजिए, जैसे आप पिछले वाले में किए थे, T1 sin 45 को किससे डिवाइड मार दीजिए, T1 cos 45 से। और यहाँ पर कितना है ये वाला? 100। तो इसको लिख देगा, यहाँ पर कितना लिखेगा? 100। और यहाँ ऊपर में क्या लिखेगा? F। क्या किए हम? इसको इससे डिवाइड कर दिए, तो इसको से डिवाइड करेगा तो ये पूरा कटेगा कि नहीं बताओ? बोलेगा कहाँ कट रहा भाई साहब, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है और कॉस 45 दोनों सेम होता है ना, दोनों का वैल्यू, इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2, तो ये कट गया, T1 कट गया। तो यहाँ से F कितना आ रहा है? इधर जाएगा 100, तो F कितना आएगा? 100 न्यूटन। तो वैसे भी करो, चाहे ऐसे तुम कर लो, तेरे को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा है क्या? है आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या होगा इसका? 100 न्यूटन, ठीक है। देखो ये जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था, कुछ नहीं कर, कुछ करना था इसमें बताओ? कुछ नहीं करना था, तो NCERT वाला सवाल छापा हुआ है, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो। बाकी तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है दोनों सेम बीच, बस इक्वेशन बनाने आना चाहिए था ये FBT का। इसमें F पूछा था, इसमें तो और आसान, एंगल भी नहीं पूछा था, ठीक है, एंगल पूछता भी नहीं, क्योंकि वो जो टैन इनवर्स 5/6 है वो जनरली नहीं निकालने आता बहुत लोग को। टैन इनवर्स 5/6 उसी टर्म में रहता, टैन इनवर्स 5/6, हालांकि उसका वैल्यू निकालने का तरीका है एक, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस में आता? देखो जिसको समझ ना आए पूछ सकता है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आया कितना? 100 न्यूटन। इसको करने का एक तरीका था, एक लाइन में कैसे कर सकता था? देखो जैसे यहाँ पर ये वाला जो, अगर तुम ऐसे लाइन खींचेगा यहाँ पर, यही F निकालना था ना, F ही निकालना था ना, ठीक है। ये वाला कितना था यहाँ पर? T2 था, और ये T2 का वैल्यू कितना था? 100 न्यूटन, ठीक है। अब अगर ये 100 न्यूटन है, अच्छा ये बताओ भाई ये एंगल कितना होगा? 45. क्योंकि ये 45, तो ये भी 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी कितना होगा? 45, sir. अब वेक्टर का एक नियम होता है कि अगर यहां 45, यहां 45, तो इस तरफ वाला जो वेक्टर होगा और इस तरफ वाला जो वेक्टर होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये वेक्टर का नियम है, देखो यहां पर बता देते हैं। जैसे यहां पर अगर ये F है और यहां पर क्या है? T2। ये T2 कितना है? 100 न्यूटन। और ये F मालूम है? नहीं, नहीं मालूम है। यहाँ पर बीच से ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये बीच से यहाँ एंगल 45, और यहाँ भी क्या बन रहा है? 45। वेक्टर का रूल होता है ये कि अगर यहाँ बराबर बराबर एंगल बन रहा है, तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा। सेम एंगल पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, समझ आया? तो तुम यहाँ अगर 100 था, तो यहाँ डायरेक्टली इसको क्या बोल सकता था? 100 न्यूटन। कैसे? कैसे? क्योंकि यहाँ पर बराबर एंगल सब्सटेंड हो रहा है, ये रूल है वेक्टर का। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, नहीं तो एंगल इक्वल होने के बारे, एंगल इक्वल उसके बारे नहीं बोल रहा, एंगल तो इक्वल है ही, लेकिन अगर ये जितना है उतना ही ये होगा, ये रूल है वेक्टर का कि अगर बराबर एंगल होता है तो सेम वैल्यू आता है, ठीक है। तो इससे तुम बना सकता था इसको डायरेक्ट बिना ये सब किए, ठीक है। लिख लो इसको, ये बार जरूर बनाओ, ये लिखो, ये बना लो डायग्राम, ठीक है। अब एक्सेल, अब हम लोग देखो, अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो तुम्हारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। अभी तुम जितना भी पढ़ाई किया, क्या कहीं पर भी वहाँ एक्सेलरेशन का बात हुआ? कहीं भी सुना एक्सेलरेशन का नाम कि वो चल रहा है, वो आगे भाग रहा? नहीं सुना। अब जितना पढ़ाई करेंगे वो F=ma वो वाला इक्वेशन पे करेंगे, उसके बेसिस पे FBD बनाएंगे अब, ठीक है। चलो देखो, हाँ थोड़ा छोटा लेंथ कर देंगे क्लास का,
देखो ये वाले में अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसका बात करने वाले हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टू, सेकंड लॉ का, ठीक है। और ये सेकंड लॉ क्या बोलता है, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन इट एक्सेलरेट्स, देन इट एक्सेलरेट्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स, ये सेकंड लॉ है ना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरा दूसरा भाषा में द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हाँ लिखने की जरूरत नहीं था, हाँ रेट ऑफ चेंज तो लिखा हुआ है, ऐसे लिख लो फिर क्योंकि रेट में तो टाइम आ ही गया, ठीक है। अब क्या मतलब है ये सब समझो, पहले देखो यहाँ पर बताते हैं, देखो यहाँ पर यहाँ लिखा है कि जैसे मान लो कोई बॉडी है मोटू मान लो, ठीक है, और ये मोटू का नाम है क्या नाम बाबू तुम्हारा, हाँ शोकनुदीप एस डब्ल्यू पी स्वप्नदीप, भाई साहब लग रहा है कोई केमिकल नेम है केमिस्ट्री का, तो ये स्वप्नदीप, ठीक है, और स्वप्नदीप का मास है 5000 kg, ये स्वप्नदीप का मास है 5000 kg, चल ठीक, इसका 5000 kg है मास, ठीक है, 5000 kg का मास है इसका। अब इसको एक जन ढकेला एक न्यूटन से तो वहीं खड़े रहेगा, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर इसको 500 न्यूटन से कोई ढकेल दे तब तो पूरा पटका आ जाएगा, मुड़ी कान फूट जाएगा। तो वो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है इसको एक्सेलरेट, जितना तेज़ी से फोर्स लगाएंगे उतना तेज़ी से ही कहाँ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा वो बराबर होगा एम ए के। अच्छा तुम लोग एक बात समझो, याद करो जो हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे उसमें एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे थे, जीरो। हम लोग बोल रहे थे बाहर से कोई फोर्स, बोल रहे थे ना पिछले वाले में, तो बाहर से वाला जो फोर्स था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जीरो बोल रहे थे। ये कौन सा फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, और ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, नेट फोर्स पे, ठीक है। अब पिछले वाले में हम लोग बोल रहे थे नेट फोर्स है क्या है, जीरो, तो अगर ये नेट फोर्स ही जीरो है तो यहां से बचेगा एम ए नेट। अब बताओ स्वप्नदीप का मास तो जीरो नहीं हो सकता है, भाई मास है तब वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो पक्का कौन जीरो होगा, एक्सेलरेशन, तब ना ये जीरो आ रहा है आंसर, दोनों में से कोई तो जीरो होगा तब ये जीरो आ रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। ये था तुम्हारा फर्स्ट लॉ, जो कि कहां से मालूम चल रहा है, ये फॉर्मूला से, इसीलिए हम लोग सेकंड लॉ को, यही सेकंड लॉ है न्यूटन का, एफ इक्वल टू एम ए, क्या डेराइव किसको, हाँ वो करवाना है बाद में, वो तो अगले बार करवाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड, ये हालांकि तरीका यही है कि तुम फर्स्ट लॉ से क्या ले आया यहाँ पर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ यही बोलता है, सॉरी सेकंड लॉ से क्या ले आया फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। देखो इससे आ रहा है फोर्स जीरो किया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, नेट नेट नेट, न्यूटन कहाँ से आ गया भाई फिर से समझा रहे हैं। देखो हम ये बोल रहे हैं ना कि किसी को तुम, हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम जितना तेजी से ढकेलोगी उतना तेजी से ही वो क्या करेगा, एक्सेलरेट। तो वही चीज देखो लिखे हैं, फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल, और यहां पर मास क्या होगा ऑब्जेक्ट का, कांस्टेंट, क्योंकि मास कांस्टेंट क्यों समझा, क्योंकि तुम किसी को ढकेलेगा तो उस पर फोर्स बढ़ेगा ना, मास तो जितना है उसका उतना ही रहेगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां क्या लिखते हैं हम लोग, मास, क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट, किसी को ढकेलने से उसका मास बदल जाएगा, मास तो नहीं बदलेगा ना, समझ गया कि नहीं समझा, ठीक है। तो देख वही लिखा है यहां पर, एक्सटर्नल फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये क्या है दूसरा बात, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में बताते हैं हम। ठीक है चलो, ये सेकंड वाला जो लिखे ये भी सेकंड लॉ है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है क्या, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। चलो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ, देखो आगे, देखो बाबू यहाँ देखो, अभी हम बताएं एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं बताओ, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसमें एम क्या होता है और एफ और ए क्या होता है वेरिएबल, मतलब तुम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही क्या होगा। समझाइए कि नहीं समझ, तेरे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोल ये आ रहा समझ में। ठीक है अच्छा अब देखना, हाँ एम तो कांस्टेंट होगा ही। अब देखो, अब इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्वप्नदीप यहाँ देखो, इसी को ऐसे लिखते हैं। अब ये देख के पगला जाता है इंसान, ये है क्या, तो ये पी का मतलब क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है पी का मतलब मोमेंटम, पी का मतलब, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू मोमेंटम का फॉर, तो यहाँ पर पी की जगह क्या डाल देगा एम वी, तो पी की जगह एम वी अपॉन नीचे में क्या होगा डी टी। ये एम कहाँ जाएगा बाहर, ये एम कांस्टेंट होता है ना तो बाहर भर दिए, यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एम, और डी वी बाई डी टी का मतलब क्या होगा ए। तो देखो ये एफ से वापस एम ए आ गया घूम के, तो मतलब ये वाला और ये वाला सेम बात है कि नहीं बताओ, क्योंकि इसको सॉल्व करके वापस एम ए आ रहा है। ठीक है तो यहाँ देखिए यहाँ पर एम ए आया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया लिख ले भाई इसको। तो फोर्स को तुम डी पी बाई डी टी बोल सकता है कि नहीं, हाँ ठीक बिल्कुल बोल सकता है। अब सुनो मेरे बात, ये सेकंड लॉ आया तो उससे नया क्या चेंज आएगा, नया चेंज ये आएगा देखो बता रहे हैं, छोटा सा यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं यहाँ पर देखो, ये बड़ा जरूरी है समझना तभी तुम कर पाएगा न्यूमेरिकल। देखो क्या है लॉजिक कि जैसे देखो ये इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है अभी इसमें हम लोग यहाँ पर मान लो एक ब्लॉक ले ले और ये थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं मान लो ऐसे ही मान लो, और यहाँ पर एक और ब्लॉक ले लेते हैं, ये कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। ठीक है अब मान लो कि ये वाला है तुम्हारा 5 kg का और ये वाला है तुम्हारा 2 kg का, बताओ कौन जाएगा आगे, ये 5 kg वाला आगे जाने लगेगा ना, और यहाँ पर क्या लगा है पुली, पुली समझती हो ना जो घूमता है ऐसे करके, तो ये 5 kg वाला किसको खींच लेगा, तो अब ये इधर जाएगा 5 kg वाला, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्सेलरेशन, इसको क्या बोल देंगे एक्सेलरेशन। मतलब समझो कि तुम जितना पीछे कर रहा था उसमें ये दोनों रुका हुआ था, बट अब एक मूव करेगा तो पीछे वाला भी क्या करेगा, मतलब अब इन दोनों इनमें मूवमेंट होने लगेगा, ये रुका हुआ नहीं रहेगा, मतलब अब इक्विलिब्रियम वाला बात खत्म हो गया यहाँ से, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है तो अब देखो ये एक्सेलरेट इस तरफ कर रहा है और ये वाला भी किधर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि भाई साहब ये ऐसे खींच रहा है तो ये इधर जाएगा ना। ठीक है अच्छा इधर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, और यहाँ भी क्या लगेगा टेंशन, कोई दिक्कत बोलो। अब समझना अब ये इस तरफ जा कैसे रहा है तुम बताओ, नहीं तुम बताओ बाबू, ये इस तरफ जा कैसे रहा, क्योंकि वेट ज़्यादा है। अच्छा एक और चीज़ समझो कि हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा ना, और नीचे क्या लग रहा होगा, फिर ये mg का ऐसे कॉम्पोनेंट हुआ होगा mg cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा आया होगा क्योंकि, और इस तरफ क्या आएगा mg sin थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये वाला इससे क्या हुआ होगा कैंसल, और तुम जरा सोच के बताओ हमको, ये इधर फोर्स है कि ये कटा है क्या, ये कटेगा इससे नहीं कटेगा, इस बार नहीं कटेगा, हमेशा इसको इसको क्या कर देते थे हम लोग कैंसल, बट ये वाला रस्सी ज्यादा भारी होगा तब ना ऐसे खींच रहा है इसको, मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा कम होगा और ये वाला क्या होगा, समझा नहीं समझा, मतलब कि टी और एम जी साइन थीटा में कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा होगा बोलो, ये सिनेरियो हो रहा है यहां पर, और जो तुम फर्स्ट लॉ पढ़ रहा था उसमें ये तो कैंसिल हो ही रहा था और ये भी कैंसिल हो जा रहा था, बट सेकंड लॉ जैसे आया तो ब्लॉक चलने लगा एक्सेलरेट करने लगा, और एक्सेलरेट करने के लिए इसको इससे क्या होना पड़ेगा बड़ा होना पड़ेगा, मतलब ये बड़ा होगा तब ना इसको आगे लेके जा रहा, नहीं समझा भाई, समझ गया है, फ्रिक्शन को इग्नोर करके पढ़ना है, अभी फ्रिक्शन अभी पढ़ाई कहाँ है, अभी फ्रिक्शन को इग्नोर करके चल रहे हैं, ये समझ आया कॉन्सेप्ट की नहीं समझ में आया क्या।
अरे भाई कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे भी बना लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। टेंशन को कैसे भी दिखा सकते हैं ना, कितना बार बताएं ये चीज़। तुम टेंशन को ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, सेम चीज़ समझा, ये मेरी बात समझो। टेंशन को ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे, दोनों सेम बात है, ठीक है, तुम दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा अब जरा ये बताओ, इस 5 kg पे नीचे क्या लग रहा होगा, बोलो। 5G लग रहा होगा है? और ये 5G पक्का बड़ा होगा किससे, टी से, तब ना ये नीचे जा रहा है, समझ आया। और पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, देखना ठीक से, ये 5G बड़ा होगा और ये टी क्या होगा, छोटा होगा। अब सुनो, ये एक्सेलरेट इस तरफ कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं इसको बड़ा। यहां तक ठीक है, तुमको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मान लो कि ये वाला और ये वाला बराबर हो जाए, तब क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाए, तब तो ये यहीं रुक जाएगा। लेकिन हम क्योंकि बोले इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा। मतलब ये समझ में आया कि जिस तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया होगा उस फोर्स को बड़ा मान लेना है। और एक और चीज समझो, यहां पर लिखते हैं #, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। जिधर एक्सेलरेशन होगा उसको हमेशा क्या मान लेना, पॉजिटिव। मतलब इस फोर्स को तुम क्या मानेगा, पॉजिटिव, और ये वाले फोर्स को क्या मान लेगा, ये कन्वेंशन है, याद रखना है। चलो अब इक्वेशन जरा लिख के देखे कैसा इक्वेशन बनेगा इसमें, थोड़ा इक्वेशन लिखते हैं। ये डायग्राम बने रहने दे रहे, नहीं मिटा रहे इसको। अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, ठीक है। चलो तुम बताओ जी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एफ इक्वल टू इसका यूज करेंगे बाबू, ये समझो, याद करो। फर्स्ट लॉ में कोई फॉर्मूला यूज, उसमें तो जो इधर था उसको इधर के बराबर कर दे रहे थे, बट इसमें क्या यूज होगा, फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, और जो पीछे पढ़ रहे थे उसमें एक्सेलरेशन कितना था, जीरो, तो इसलिए ये पूरा ही जीरो हो जा रहा था। समझ आया कि नहीं आया, बोलो, आ रहा है कि सो रहा है? नहीं समझ में आ रहा क्या? चलो चलो देखो आगे आगे, यहां पर ये कौन सा फोर्स होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम लोग ठीक से देखो, पहले चलो हम यहां इसके लिए बात करते हैं, ये वाले के लिए इसका मास कितना था, 2 kg ना, ठीक है। देखो पहले देख लो बाबू, लिखो मत अभी, देखो एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे, इस भाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन ऐसे, तो इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि किधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसी की तरफ हो रहा है ना, तो इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, टी, ठीक है। अच्छा ये वाला ऐसे है mg sin थीटा, तो लिखेंगे -mg, कोई दिक्कत, बोलेगा सर माइनस क्यों कर रहे हैं इसको, भाई साहब क्योंकि ये वाला प्लस लिए तो इसको पहले लिखें, और ये वाला इधर है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है और ये वाला इधर है, तो इसलिए इसको कहां लिखे, बाद में लिखे, बराबर। ठीक से देखना आराम से, मास कितना है इसका और एक्सेलरेशन कितना है, इक्वेशन समझ में आया कैसे बनाते हैं। तो ये इक्वेशन कब बन रहा है, जब एक्सेलरेशन हो रहा है। फर्स्ट लॉ में बॉडी किसमें था, जरूरी नहीं है, मूविंग भी हो सकता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो था, ये बोलो है ना, जितना पीछे पढ़े उसमें एक्सेलरेशन क्या था, तो यहां पर तुम ए को कितना पुट करता, उन सब केसेस में ए को कितना पुट करता, देख यहां ध्यान से देख, ध्यान से देख, बोलो आ जाता कि नहीं, ये वाला इधर चल जाता, याद आया, समझ में आया तुमको, हम लोग ये दोनों को बराबर क्यों लिखते थे, अभी अभी समझ आया कि फर्स्ट लॉ में ये बराबर क्यों हो रहा था, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो था, बट यहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो क्या ये बराबर होगा, भाई साहब यहां तो इसको जीरो डाल ही नहीं सकता एक्सेलरेशन को, तो यहां एक्सेलरेशन क्या लिखेगा, ए। तो इस ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, इस ब्लॉक के लिए, वैसे ही इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख लेगा। चलो तुम बताओ बाबू क्या लिखोगे इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए, इसको बताने दो, रुक जाओ बताओ, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो बड़ा कौन है, ये कि ये नीचे वाला बड़ा है, तो पहले क्या लिखोगे तुम, 5G, ठीक है। देखो समझो, पहले हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स, और किसके बराबर लिखते हैं उसको, ma के, तो नेट फोर्स ये 5G है और दूसरा कौन है, t, तो 5G प्लस क्यों लिए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के साथ है। उसके बाद माइनस क्या लगाएंगे यहां पर, और ये किसके बराबर होगा, मास कितना है,
फाइव ए होगा, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, तेरे को बाउंस कर गया क्या भाई? यहाँ पर देखो मास फाइव दिया था ना, तो इसलिए फाइव डाले, और एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, एक्सेलरेशन तो है इस बार, तो इसलिए उसको ए लिखे। अच्छा देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, इसलिए यहाँ पर ए और यहाँ भी क्या आ रहा है ए। भाई तू सो रहा है स्वप्नदीप? हाँ बोलो। ये दूसरा इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन किसके लिए बना? इसके लिए, और ये वाला उसके लिए। बोलो क्या बोल रहे हैं? किसमें? नहीं इसमें एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, टी ऊपर था, इसलिए उसको नेगेटिव लिए। ये समझा? ये पहले इसको क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये किसके डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन के। और बाकी ये वाला जो टेंशन है वो तो उधर है ना, उसके अपोजिट, तो इसलिए इसको बाद में लिखे। समझ रहा भाई कि तू यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है? ये इक्वेशन बनाने समझ आया सबको? तुमको आया जी? और तुमको पीछे भाई बात करने में बिजी हुई, समझ में आया कैसे बना रहे इक्वेशन? ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बकलोल आदमी, पहले ये दिमाग, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। मान लो यहां फर्स्ट लॉ आ जाए, क्या आ जाए यहां पर, तो ये ए को कितना डाल देगा, सॉरी ये ए को कितना डाल देगा, तो ए को जीरो डाल देगा, तो ये टी इधर चल जाएगा और फाइव जी बराबर टी हो जाएगा, तब ये रुक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तुम वही कर रहा था तब से, इसको डायरेक्ट इसके बराबर कर दे रहा था, बट अभी नहीं करना है क्योंकि यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तुम बात करने आती हो ट्यूशन, समझ आ गया ये? ठीक है देखो इस सवाल में ये एकदम सेकंड लॉ के ऊपर एकदम प्योर क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें तुमको दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक का एक्सेलरेशन ऐसे और इसका एक्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन दिया। अब तुमको बोला है कि यहाँ पर बोला है कि दो ब्लॉक है, दोनों का मास दिया हुआ है, और बोला है कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से, कनेक्टेड है ना देखो, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट लॉ का सवाल बिल्कुल नहीं है, साफ साफ एक्सेलरेशन, जहाँ एक्सेलरेशन का बात किया तो फर्स्ट लॉ का सवाल नहीं होगा भाई, सेकंड लॉ है और उसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, एफ बी डी। अच्छा तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, दोनों का एक्सेलरेशन कितना कितना होगा बताइए, और देखो दोनों का एक्सेलरेशन क्या दिया है, सेम दिया है ए ए। कभी किसी सवाल में मान लो एक्सेलरेशन नहीं दिया हो तो तुम अपने से एज्यूम कर लेना डायरेक्शन उसका, जैसे इसमें तो दे दिया ना इसे, तो तुम ऐसे फिर एज्यूम करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं देगा तो तुम उसको एज्यूम कर लेना, ठीक। अब बोला है कि मासलेस स्ट्रिंग, क्या लिखा है, मतलब कि ये स्ट्रिंग का मास नहीं है, उसको मास नहीं कंसिडर करना है, ठीक। ये पुली भी क्या होगा, मासलेस। अच्छा एक सबसे जरूरी बात बाबू देखो, ये वाला सबसे जरूरी बात है, हम तुमको बोले थे स्टार्टिंग में कि फ्रिक्शन वाला सवाल हम नहीं करवाएंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर ये नहीं लिखता तब हमको फ्रिक्शन फोर्स भी लेके और तब सॉल्व करना पड़ता, तो ये देखना जरूर कि फ्रिक्शन का बात किया है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इसका बनाते हैं एफ बी डी, आराम से देखो एकदम ध्यान से सब समझ में आएगा। सबसे पहले ये समझ लो कि तीन फोर्स ही बस हम लगाएंगे, नॉर्मल, ग्रेविटेशनल और कौन सा, टेंशन, ठीक है, जो तुमको है। खैर देखो यहाँ पर टेंशन हम ले लिए टी, तो यहाँ भी कितना होगा, दोनों में सेम टेंशन होगा क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बीच में और कोई ब्लॉक नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आओ इसके बारे सोचते हैं, इसका एफ बी डी बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग ये फ्रेश डायग्राम बना चुका है अब हम, क्योंकि इसमें एफ बी डी बना देंगे ये, ठीक है, हैं बोलो। भाई साहब सेम स्ट्रिंग पे लग रहा है, ये दिखाने का तरीका है। हाँ बोलो। हाँ तो लग तो रहा है, यहां पर एक ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे कैंसिल हो जाएगा? जैसे देखो, जैसे यहां पर ये वाला है, ठीक है, और यहां पर एक और हम इसी सेम टाइप का चार्जर यहीं टांग दे, तो क्या ये रस्सी टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना, ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो तुम ये क्यों सोच रहे कि ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा? टेंशन थोड़ी कैंसिल होता है। किस मास से? हाँ तुम सोच ही गलत रहा बाबू, टेंशन को ये दिखाने का तरीका है, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, और टेंशन यहाँ पर दोनों में है ऐसे करके पकड़ा हुआ टेंशन, ठीक है। अभी तुम देखो एफ बी डी से तुमको और क्लियर होगा, एफ बी डी से और समझ में आएगा, आराम से देखो। यहाँ पर नीचे क्या होगा, ये पता है क्या पूछ रहा है कि सर ये टेंशन इससे कैंसिल क्यों नहीं होता? वही पूछ रहा है ना, कैसे कैंसिल होगा भाई? देखिए ऐसा है, देखिए इंक्लाइन प्लेन है, इसलिए तुमको अजीब सा दिख रहा है। देखो हम यहाँ पर बनाते हैं, देखो इस टाइप से ये है एक्चुअली, रस्सी कहाँ लगा है, बीच में, और यहाँ पर क्या है, दो ब्लॉक, तो ये टूट जाएगा रस्सी, नहीं टूटेगा, रस्सी वहाँ बना दिया और बोला है कि टेंशन है, तो मतलब टेंशन है, रस्सी टूट थोड़ी जाएगा, रस्सी टूट जाएगा तब टेंशन क्या मानना है,
जीरो। यहाँ रस्सी है तो टेंशन पक्का होगा, बोलो क्या? हाँ इक्वल है यहाँ पर, इक्वल टेंशन क्या भाई साहब, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन तो हर जगह टी 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 टी। यहाँ बीच में कोई ब्लॉक आ जाता तब यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन क्या होता, अलग अलग। लेकिन यहाँ बीच में कोई ब्लॉक है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं, तो जितना टेंशन यहाँ उतना ही यहाँ पर। नहीं समझ में आया? आया, चलो नहीं आएगा तो बोलना डायरेक्ट। चलो देखो, इसका यहाँ 50 जी, इसका यहाँ पर क्या होगा, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल, ठीक है। अब तुम लोगों को बताए थे कि यहाँ से डॉटेड खींच के यहाँ पर 60, तो यहाँ कितना ले लेना, बोलो 60 बताए थे ना स्टार्टिंग में, शुरू कर रहे थे उस वक्त। कितना जरूरी, देखो ये नहीं समझ रहा है, मतलब कुछ नहीं समझ रहा है। अब ये 30, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 30 जी कॉस 60, और इस तरफ कितना हो जाएगा, 30 जी, कोई दिक्कत बोलो। अब यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा कि नहीं बताओ, नॉर्मल ऐसे लगता है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर भी क्या लगेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन खींचोगी और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 जी कॉस। भाई साहब क्योंकि यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ कॉस 30, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन। क्या साइन? 30 जी साइन 30। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। ये वाला किसके बराबर होगा, इसके, ये वाला किसके बराबर होगा, इसके। बस यही गलत कर दिया भाई, फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ तो एक्सेलरेशन है ना, तो ये बड़ा होगा और ये वाला क्या होगा, तो इसको इससे माइनस करेगा ना, और किसके बराबर लिखेगा, एम ए के, एम ए के मतलब कि 30 है और 50 है, अच्छा 50 है, अरे रे 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 50 है, हाँ ठीक ठीक 50 ठीक, तो यहाँ पर 50 लिखेगा ना, 50 जी, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। अब देखो आगे और कुछ बचा क्या, नहीं, एन का कंपोनेंट लेना है नहीं लेना है, तभी बताए थे बहुत पहले ही, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट नहीं तोड़ना है, हमेशा एमजी को रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब क्यों ये मालूम चलेगा तुमको थोड़ा और आगे जाके, जब तुम और थोड़ा आगे पढ़ लेगा तब, ठीक है। बाकी अभी याद रखो, समझ लो कि कॉन्सेप्ट है कि एमजी को ही रिजॉल्व करना है, नॉर्मल को नहीं करना है। आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या, एक्सेलरेशन देखो तो क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है, रूट में ही आएगा, ठीक है। देखते हैं जरा, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो बाबू सुनो, यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा, और दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। तो चलो देखते हैं, पहले इसके लिए यहाँ देखो, तुम अभी लिखो मत, यहाँ देखो इसका एक्सेलरेशन ऐसे है तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को एफ बराबर क्या होता है, एम ए। अच्छा ये सवाल मिटा दे, सवाल मिटा दे, सवाल तो लिख लिया होगा ना, बोलो क्या बोल रहा है, बोलो बोलो, एन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एन को लिख सकता है। अच्छा एक बात तुम लोग यकीन करो, देखो ये इधर जा रहा है ब्लॉक, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, ये मानता है कि नहीं बताओ, ठीक। तो ये वाला इससे क्या हो रहा होगा भाई साहब, ये कैंसिल हो रहा होगा तब नहीं आगे बढ़ रहा होगा, अब ये पकड़े रहेगा तो आगे कहाँ से बढ़ेगा। वैसे ही ये वाला इससे क्या हो रहा होगा, मतलब ये ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, नहीं समझा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं समझता है भाई साहब, ये फोर्सेस कैंसिल हो रहा है ना, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्यों हुआ कि नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है। अगर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हो जाता तब तो ये एक्सेलरेशन होता ही नहीं, तब तो ये सेकंड लॉ का सवाल ही नहीं होता, ये तो फर्स्ट लॉ का हो जाता। नहीं समझ में आया, क्लियर है, चलो ठीक। अब एक काम करते हैं, हमसे सवाल में पूछा क्या है, टेंशन, और क्या पूछा है, क्या नॉर्मल से कोई मतलब है, तो नॉर्मल का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा इनका बात करेंगे, इधर वाले फोर्सेस का कोई बात, और वैसे भी वो कैंसिल होकर क्या हो रहा है, जीरो। समझ गया यहाँ तक, चलो ठीक। तो तुम अभी तुम चलो जैसे मान लो इसका बना रहे हैं, ठीक है, तुम बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, बताओ तुम बताओ, नहीं उसको पूछ रहे हैं, इस वाले ब्लॉक का इक्वेशन क्या लिखाएगा, फॉर्मूला लिखोगी पहले, यहाँ लिखते चलो, फॉर्मूला होगा एफ इक्वल टू एम ए, एफ नेट बराबर क्या होगा, एम नेट, ठीक है। बताओ नेट फोर्स इस पर कैसे लग रहा है और एक कैसे लग रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो तुम अच्छा इस तरफ एक्सेलरेशन दिया है तो इसको क्या मानेगा भाई, पॉजिटिव, और इसको क्या मान लेगा, तो तुम यानी कि लिखेगा 50 जी साइन, सब लोग बोलो साथ में, 30 डिग्री माइनस बराबर क्या, मास कितना है इसका, मास कितना है, तो बराबर 50 ए। अगर ये ए जीरो होता
तब ये वाला इस तरफ आ जाता, तब तो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन हो जाता, समझ रहा है कि नहीं? ठीक, तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा जी का वैल्यू 10। तुम बोला क्या? अच्छा, वही हम सोचे कि यार साइन 30 कितना होगा, साइन 31 मिनट नहीं ना, अरे ठीक बोल रही है वो, तो इसके बारे में हम सोचे कि कैसे वो बोल, फिजिक्स के बारे कुछ कैसे बोल सकता है। तो यहाँ पर माइनस टी बराबर 50 है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 50A। ये बनेगा कि नहीं बताओ इक्वेशन, समझ आया यहाँ तक? अब किसका इक्वेशन बनाएगा सिमिलरली? और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है तुम टेंथ में, तो उसमें क्या करते थे, दो वेरिएबल एक्स और वाई को सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है, तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए ना, तब एलिमिनेशन मेथड लगाता था, याद आ रहा है? वही करना है यहाँ पर भी। ठीक है चलो करते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन तुम बताओ बाबू, चलो जल्दी से, और गलत बताया तो बजाड़ देंगे इधर उधर, चलो बताओ इसका, ले लीजिए क्या लिखेगा, 30g sin 60° इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है बालक, तो किसको लेगा माइनस? इसको लेगा ना माइनस, भाई साहब जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेता है ना, तो ये टेंशन को तुम पॉजिटिव लेगा, माइनस इसको ना माइनस करेगा, नहीं समझा? जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसको प्लस लेना है। अब बताओ आगे बोलो, आगे बोलो, टी माइनस 30g sin 60° उसके बाद क्या बराबर 30A। यहां पर क्या यूज किया, एफ नेट बराबर एम ए नेट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो? ठीक है, तो यहां से फिर हो जाएगा टी माइनस, ये कितना होगा, 300 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है भाई साहब, साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 30A, कोई दिक्कत? अब यहां से हो जाएगा ये 300 और 2 डिवाइड होगा, कितना होगा, 150 होगा ना, ये देखो 2 एकम 2, 2 150 से जाएगा, तो माइनस 150√3 बराबर क्या, 30A। ये देखो एक और इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन दिख रहा है लीनियर इक्वेशन वाला। ठीक है चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, और टी और ए ही पूछा था ना, आराम से निकल जाएगा, चलो देखते हैं यहाँ पर आओ। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 250 - t = 50A, और ये वाला कितना है, टी जरा कैलकुलेटर से जो बोलेंगे उसको करना, तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहाँ से ये टी से टी क्या होगा, कैंसिल होगा, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेट करने सिखाया गया ना तुम लोग को, फिर ये वाला इससे क्या होगा माइनस बराबर क्या, ये दोनों प्लस होगा, 50 + 30 कितना होगा, 80A, ए भी तो आएगा। ठीक क्या, हाँ यहाँ से देखो, देखो जीरो दिख रहा है, तो यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 25 - 15√3 = 80A होगा कि नहीं बताओ भाई साहब, यहाँ से 10 दोनों में से कॉमन लिए। अब देखो ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 25 - 15, रूट थ्री का वैल्यू मालूम है कि नहीं, 1.73 होता है, बराबर कितना होगा, 8A। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, इसको इतना तो कर लो बेरोजगार आदमी, इसको करो मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन, बताओ कितना आया भाई साहब, कितना दिन लगाएगा, मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता, ये मल्टीप्लाई करने नहीं आता तुमको, ये मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा, कितना आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है वो बताओ ना, और ये मल्टी कितना हो रहा है, माइनस हो गया, होगा, अभी रुक जाओ रुक जाओ, अभी मालूम चलेगा क्यों नेगेटिव है, ये डिवाइड होगा तो ए कितना आएगा यहाँ से, 0.95, और ये 8 नीचे आएगा, बोलो भाई साहब ये 8 नीचे नहीं आएगा, अब यहाँ से ये डिवाइड होगा कितना हो रहा था बताओ, हैं आ रहा है, और यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होगा कि नहीं बताओ,
ये समझ में आया? अब समझो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब जैसे मान लो तुम कार चला रहा है, कार में एक्सेलरेटर तेज से दबाया तो गाड़ी एकदम एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन वही कार को चलाते जाते अचानक से ब्रेक मारा तो तुम्हारा गाड़ी का अचानक से वेलोसिटी गिर जाएगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा डी एक्सेलरेशन। लेकिन यहां तो गाड़ी नहीं है बाबू, यहां तो ब्लॉक या तो ऐसे जाना चाहिए या तो देखो ऐसे, या तो ऐसे या तो इधर खींचेगा या तो इधर खींचेगा। नहीं समझ में आया भाई साहब? या तो ये इसको खींच के ले जाएगा या तो ये इसको खींच के ले जाएगा, यही दोनों में से कुछ होगा ना। तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? फिर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन सवाल में दिया हुआ है उस तरफ नहीं है एक्सेलरेशन, उसके उल्टा है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन ऐसे दिया हुआ ऐसा नहीं होगा, किधर होगा? उल्टा होगा। मतलब सवाल में जो एक्सेलरेशन दिया है कि भैया ऐसे चल रहा है वैसे नहीं चल रहा सिस्टम, कैसे चल रहा है बताओ? ये वाला ऐसे जा रहा है और ये वाला कहाँ जा रहा है, मतलब ये ऐसे हो रहा है। तो सवाल में क्या दिया कि ऐसे जा रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है? ऐसे नहीं, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये कार वाला प्रॉब्लम थोड़ी है, ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन थोड़ी चल रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन। गलत, रिटार्डेशन नहीं है यहाँ पर। क्या है बताएं हम तुमको? एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब जिस तरफ एक्सेलरेशन तुम दिया लिया है, किधर लेके सॉल्व किया बताओ? किधर लिया? इस तरफ, तो इधर नहीं होगा, किधर होगा? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। और वो जो हम बताए ना तुमको डी एक्सेलरेशन वाला, वो कार के केस में तो ये कार चल रहा है यहाँ पर, समझ आया कि नहीं आया? तो उसमें लगाना है, कार में वो सब कॉन्सेप्ट लगाना है डी एक्सेलरेशन का। जब भी नेगेटिव आए तो उसको डी एक्सेलरेशन बोल के आगे मत बढ़ देना, वहां ये लिखना होगा कि # द एक्सेलरेशन कंसिडर्ड इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन गिवन इन द सवाल, मतलब न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं इस बात को। ये बनाया ये बढ़िया से क्या? अब इस बारे में भी 2 मिनट बताएंगे, जरूरी है क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये बोल रहा है ना, देखो ये मास्टर साहब क्या बोल रहा है, सुन लो, ये जरूरी बात पूछ रहा है, फालतू चीज नहीं पूछ रहा भाई। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। जो क्वेश्चन पूछता है इसके से थोड़ी है, इससे पूछ लो कि बाजार में आलू का रेट क्या चल रहा है, पूरा 1 घंटा का लेक्चर दे देगा ये भाई साहब। है नहीं पता है तुम, वो भी बता देगा, सोचो सोच के बताओ। हाँ देखो देखो, देखा तुरंत जवाब दिया ना। खैर देखो बाबू, यहाँ पर देखो, ये बनाया तुम लोग बढ़िया से कि 2 मिनट टाइम दे इसको बनाने के लिए। चलो 2 मिनट टाइम दे रहे, बनाओ इसको। हाँ ये बात पहले बता दे रहे हम क्लियर कट, ये सबसे आसान क्वेश्चन है सेकंड लॉ के ऊपर, सबसे बेसिक। होता कैसे है वो समझाएं, करवा के दिखाएं, ऐसे ही होता है। ठीक है, आप सुनो एक बार मेरे बात। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बोले इस तरफ होगा, अब ये मेरा भाई बोल रहा सर ये 30 kg तो कम है मास का और ये ज़्यादा है, तो ये कम मास वाला ज़्यादा को ऐसे कैसे खींच सकता है ना, लॉजिक है कि नहीं बताओ? ये इसको कैसे खींच लेगा, तो उसका कारण क्या है बता रहे हैं। पहले तो बता दे रहे कि यहाँ पर देखो एंगल कितना है, मतलब ये ऐसे उठा हुआ है और इसका एंगल कितना है 30, तो अगर ये एंगल ज़्यादा है तो तेज़ी से नहीं स्लिप करेगा, इसका ज़्यादा होगा ना स्लिपिंग, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कम होने के कारण ये तेज़ी से स्लिप करेगा, और ये भाई साहब का तो एंगल कम है तो धीरे धीरे जाएगा। बोलो है कौन? हाँ सरफेस फ्रिक्शन लेस है, लेकिन हम मतलब कि ऐसे बता रहे तुमको कि अगर फ्रिक्शन होता तो इस वाले सरफेस का फ्रिक्शन कम हो जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा है, फ्रिक्शन लेस है। बाकी सवाल में फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, कॉन्सेप्ट उसका नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा समझ में आया तुमको हम क्या बोल रहे हैं? अब सुनो एक दूसरा बात, नहीं समझ में आया, हम ये सिंपल बोल रहे हैं कि जो एंगल है 60 डिग्री वो बड़ा है और 30 डिग्री क्या है, छोटा है। तो 60 डिग्री वाला एंगल बड़ा है, तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक, इसमें ये वाला जो फोर्स होगा 30g sin 60 वो बड़ा होगा, और किससे बड़ा होगा? टी से, मतलब ये तुम्हारे लिख देते हैं यहाँ पर 30g sin 60 डिग्री इज ग्रेटर देन टी, समझ आया? तो इसलिए ऐसे स्लाइड कर रहा है। हाँ समझ आया तेरे को? नहीं आया? ठीक है। हाँ ये तो चल इसको मिटा देते हैं हम। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब तो बताएं तुमको अभी, देखो कुछ ऐसा सीन है, देखो ज़्यादा ही ऊपर हो गया, कुछ इस टाइप का है ये, और ये कितना पे है 30 पे, और ये कितना है, ये और उठेगा, बल्कि ये तो 45 जैसे दिख रहा है, और ऐसे उठेगा थोड़ा सा, इसको और उठा देते हैं ये।
ऐसे रहेगा। और यहाँ पर क्या है, ये कितना केजी का है, और यहाँ कितना केजी का है? अब देख भाई कौन जल्दी इधर गिरेगा, कौन स्लाइड करेगा, और ये वाला इसको खींचने लेगा, बता नहीं आया समझ में? भाई साहब ये ऐसे खींच लेगा इसको, क्योंकि इसका देख रही है पटकाएगा एकदम, मुड़ी कान फूटेगा इसका। लेकिन ये तो भाई धीरे 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 जाएगा, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा इसीलिए क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन किधर होगा, लेकिन सवाल में जानबूझ के लेने बोला था इस तरफ ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आए, और जानबूझ के इसको हम लिए ये वाला क्वेश्चन ताकि तुमको क्लियर हो। अच्छा सुनो एक और बात, सुन लो एक और बात, ये एंगल वाले से यहाँ समझा दिए। एक सवाल ऐसा भी है, एक उसके बारे बाद में बात करेंगे, यहाँ पर पहले लिख देते हैं हैशटैग एक्सेलरेशन, लिखो तुम लोग, एक्सेलरेशन शुड बी कंसीडर्ड इन अपोजिट ठीक है, जहां एक्सेलरेशन ऐसे दिया था ना, तो ऐसे नहीं ऐसे लेना है, ठीक है? आया भाई, चलो देखो ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तुमको बहुत बिल्ड करेगा, इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ये वाले क्वेश्चन से, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ठीक है? और ये जरूरी भी है जानना, क्या कौन क्या ग्राम में केजी भाई, 1 केजी, दो ब्लॉक है 1 केजी 1 केजी का, ठीक है? और तुमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है ना, और अच्छा एक्सेलरेशन इसमें दिया हुआ था सवाल में, ऐसे ऐसे लेने के लिए बोला था, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? भाई साहब बोलेगा सर एक्सेलरेशन हो कैसे रहा, ये 1 केजी का, ये भी 1 केजी का है, दोनों का मास तो सेम है ना, तो कैसे उसको खींच लेगा? हाँ इसका एंगल देख, ये देख और इसका एंगल देख, अलग अलग है ना, लेकिन एंगल तो दिया नहीं सवाल में, एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पर बता रहे कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत यूज़ होगा, हर सवाल में यूज़ होगा, ठीक है? देखो यहाँ पर बता रहे, एक ट्राइंगल होता है बहुत फेमस और खूबसूरत ट्राइंगल, जिसमें एंगल बनता है 53 डिग्री, ठीक है? इसमें क्या होता है कि देखो बाबू यहाँ पर देखो, यहाँ एंगल 90, कौन सा ट्राइंगल है? RAT, रेट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? यहाँ पर एंगल कितना है और यहाँ एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। ये ट्राइंगल याद रखना है इसको, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये एंगल कितना बने, 53 डिग्री। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो होगा 4, यहाँ होगा 5, और ये बेस कितना होगा? 3। ये याद रखना है, 4 5 3 वाला ट्राइंगल जिसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा? 4, और बेस कितना होगा? 3, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो वो कितना हुआ? 5। तो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, ये 3, ये 4, ये 5, देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, दिख रहा है? ठीक, ये एक ट्राइंगल हुआ। दूसरा एक और होता है भाई, एक और ट्राइंगल होता है 37 डिग्री वाला, कितना वाला? 37 डिग्री वाला। देखो इसमें क्या होता है, ये भी वैसा ही होता है, राइट एंगल होता है, क्या होता है ये भी, क्या होता है ये भी? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 37 डिग्री, ठीक है? और ये फिर से हाइपोटेनियस कितना रहेगा? अभी भी 5। बदलाव ये होगा कि ये हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 4, ये बदलाव है। क्या अंतर है दोनों, समझ में आया? सेम है, बस यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर होता है 4, लेकिन इसका परपेंडिकुलर होता है 3। क्लियर है कि नहीं, बताओ? तो ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को इस सवाल में लगाना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालने के लिए, ठीक है? देखो कैसे निकालेंगे, यहां देखो यहां 4 और 5 है, 4 और 5, 4 और 5 में एंगल कितना है? तो यहां एंगल कितना होगा, क्योंकि यहां पर 4 दिया है, यहां 5 दिया है, कोई दिक्कत? 3 और 5 के बीच में एंगल कितना? 3 और 5 के बीच में एंगल कितना? तो यहां पर एंगल कितना होगा? इसीलिए देखो ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर, समझ आया? Yes, समझ आया होगा अभी कि नहीं? Yes, ठीक है। तो यानी कि अब चलो इसका क्या बनाएंगे हम लोग, FBD, क्या बनाएंगे इसका? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेंशन नॉर्मल ये सब दिखाएंगे। नॉर्मल लगेगा इसमें? हाँ लगेगा, लगेगा ना नॉर्मल, ठीक है? हैं, हाँ गड़बड़ा गया क्या बालक? नॉर्मल लगेगा तब ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या होगा, और यह इसका मास कितना है, मास कितना है? तो यहाँ m गायब हो जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ पर?
जी, नहीं समझ में आया। अब यहाँ लाइन खींचेगा ऐसे, और यहाँ पर एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा जी कॉस 37। समझ आया नहीं आया? जी कॉस 30, क्योंकि ये थीटा कितना होगा, क्योंकि ये थीटा कितना होगा जितना यहाँ होता था, याद करो एकदम स्टार्टिंग में बताया जब शुरू किए थे, ये देखो अभी तक यूज हो रहा है 37, तो यहाँ भी कितना होगा भाई साहब 37। तो ये तुम इसको लिखेगा जी कॉस 37, और इस तरफ क्या लिखेगा, और इस तरफ टेंशन कितना, अब ये टी किसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला कैंसिल, और ये इसके बराबर होगा, पूरा गोबर पड़ा हुआ भाई साहब, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ये वाला बराबर नहीं होगा, एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। समझ आया कि नहीं आया, मुंह बंद रखो। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है ना, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, तो तुम टी को क्या मानेगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव किसको लेगा, तुम हंसने आती हो, बराबर। मास कितना है इसका, एम ए लिखता है, एम ए, एम ए लिखता है, मास कितना है इसका, 1 kg, तो खाली ये बचेगा, बोल ये समझ आया कि नहीं आया, ये इक्वेशन बना है कि नहीं, क्या गलत है आंसर, 1 आएगा, अरे 1 आएगा बालक, ठीक से देख क्या किया पता नहीं, 1 आएगा आंसर, इक्वेशन 1, देखा सूखा नशा का सर। ये समझ आया तेरे को, नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। अब वैसे ही इक्वेशन किसका बनाएगा, चलो इसका बनाए क्या, अच्छा कौ, अच्छा इसका वैल्यू देख, यहाँ से निकाल बालक, अरे यहाँ से निकाल, यहाँ से नहीं निकलेगा भाई साहब, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला से पहले लिखो इसको, फिर मिटाएंगे, फिर दूसरे वाले के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ी करवा रहे हैं, ये कंप्लीट कहाँ हुआ, एक्सेलरेशन निकाले कहाँ है, देख यहाँ देख भाई, यहाँ देख, ए भाई यहाँ देख, अभी इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है। अभी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन छोड़ दो, सेम टू सेम ऐसे ही होगा कि नहीं बताओ, ठीक है, फिर भी हम बनाएंगे, फिर भी बनाते हैं, चलो इसको मिटा दे रहे हम, ये वाला, ठीक है, इसका तो बना लिया था ना तुम लोग, चलो इसका बना के सेपरेटली बता रहे हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ नीचे क्या लगेगा, यहाँ पर ऐसे नीचे क्या लगेगा, जी लगेगा खाली, क्योंकि इसका भी मास कितना है, इसका भी मास 1 kg, इसलिए जी लगेगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेगा तुम, थीटा लेगा, थीटा कितना है, तो इसको लिखेगा जी कॉस, और इस तरफ, चलो अब स्वप्नदीप बताएगा यहाँ पर क्या लगेगा, स्वप्नदीप टी, एक्सेलरेशन किधर दिया था सवाल में, चलो अब इसका इक्वेशन इधर दिया, बताओ अब इसका इक्वेशन बताओ स्वप्नदीप, जैसे इसका बनाया, बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखेगा, ये वाले का जी साइन 53 मारेंगे इतना ना तुमको हम, सैलरी वैसे ही करना, आधा उसको दे देना, माइनस कितना, मास कितना है, तो इसलिए ए होगा, ठीक है बिल्कुल, उसका सुन लिया आदर्श का, ये हुआ। अब ये दोनों को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, तो एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आ रहा तेरे को, हाँ। पहले हम लोग निकालते हैं साइन 53 degree, तो साइन 53 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई, तो क्या लिखेगा यहाँ पर, इसको नहीं आया समझ में, नहीं आया, अच्छा फिर साइन 37 यानी ये वाला कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई, यानी कि 3/5, हाँ ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये आया और ये आया, अब ये दोनों को यहाँ पर पुट कर देना होगा, ठीक है, क्या आदर्श, तो यहाँ जालेगा, चलो इसको पहले डाल देते हैं, ठीक है, इसका डालते हैं, तो टी माइनस जी का वैल्यू 10, साइन 37, 5/5, ठीक है भाई साहब, ये 2 3 का कितना होगा, 6, तो आ जाएगा टी माइनस 6 बराबर ए, ये इक्वेशन नंबर 3, मतलब इससे जो बना, और वैसे ही इसका भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर हैं, यहाँ जी 10 होगा, साइन 53 कितना है, 4/5 माइनस टी बराबर ए,
फाइव अंदर फाइव, फाइव टू द टेन, टू फोर जा एट माइनस टी इक्वल टू इक्वेशन नंबर फोर। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा बस, तो क्या निकल जाएगा, ए पूछा था ना सवाल में, ए निकल जाएगा। किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तुम लिखेगा टी माइनस सिक्स बराबर ए, और ये वाले को लिखेगा एट माइनस टी बराबर ए, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को साथ में लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं दोनों को, एलिमिनेट। तो यहां पर से देखो, टी से टी कैंसिल, छः में से गया आठ, और ए प्लस ए कितना होगा, ऐड होगा ना दोनों, ए प्लस ए टू ए, तो एक्सेलरेशन आया यहां से। क्या आवाज निकाल रही है, ये समझ में आया तुमको, ये एक्सेलरेशन आया वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग एक बंदर वाला छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर एंड करेंगे इसको, लिख लो इसको। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी किसका है, एच सी वर्मा का। एच सी वर्मा बंदर वाला तीन चार क्वेश्चन था, ये मतलब आसानी वाला है। एक और क्वेश्चन भी इससे अच्छा ही था जिसमें दो बंदर लटक रहा था एक रस्सी पे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा एक छत है, ठीक है, और ये मंकी बाबू आदर्श नहीं है, चलो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये सीलिंग है मतलब ऊपर वाला, और यहाँ पर एक ऐसे रस्सी लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक बंदर है, ठीक है, और ये बंदर का बाबू बाल है, ये बंदर है, ठीक है भाई साहब, नुकसान पे नुकसान, यहाँ बंदर चढ़ रहा है, ठीक है। और ये रस्सी कितना लंबा दिया है, पाँच मीटर। देखो पढ़ो, क्लाइंबिंग ऑन अ रोप, रोप मतलब रस्सी, विथ वन एंड फिक्स्ड इन द सीलिंग, मतलब जो रस्सी का एक छोर है कहाँ फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, तब ना बंदर चढ़ रहा है उसमें। और ये रस्सी में क्या होगा, टेंशन, टेंशन होगा रस्सी का। और ये बंदर का मास नीचे होगा, मतलब कि 15g, क्योंकि बंदर का मास कितना दिया है, 15 kg, तो 15g ग्रेविटी नीचे लगेगा ना, और ऊपर में क्या लगेगा, टेंशन। लेकिन देखो सवाल में लिखा है विथ वन एंड ऑफ द सीलिंग हाउ मच फोर्स इट अप्लाई टू रोप, रोप पे ऐसे ऐसे चढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेट कर रहा है मंकी की रेस्ट में, मान लो कि वैसे लटके रहा तब तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन मंकी तो ऐसे चढ़ रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन किधर होगा मंकी का, ऊपर की तरफ होगा, तो यानी कि तुम टी को क्या लेगा, पॉजिटिव, और माइनस किसको लेगा, 15g बराबर क्या लिखेगा, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यहाँ पर तुम क्या लिखा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मंकी ऊपर जा रहा है तो जो नेट फोर्स है, देखो ये पॉजिटिव लेंगे, इसको क्यों लेंगे पॉजिटिव भाई साहब, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर ऊपर चढ़ रहा है ना मंकी, ठीक है। और टी माइनस 15g क्योंकि ऊपर है, क्योंकि ये नीचे है तो इसलिए नेगेटिव लिए। और ये मास 15 और एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन तो है ना मंकी में, मान लो एक्सेलरेशन मंकी रुक गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तब ये इधर आ जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से सवाल में पूछा क्या है तुमसे, हाउ मच फोर्स इट अप्लाई टू द रोप, मतलब रोप पे मंकी कितना फोर्स लगा रहा है। तो तुमको न्यूटन का थर्ड लॉ मालूम है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम अभी नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के मतलब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। खैर सुनो, ये थर्ड लॉ नहीं है कि तुम जो मतलब किसी को एक झापड़ मारा तो पलट के तुमको एक झापड़, ये थर्ड लॉ नहीं है। थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम किसी को एक झापड़ मारा तो इस हाथ से मारा,